व्यवस्था होनी चाहिए, हुपिंग करते हैं है ना, बर्ड जो है कैस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, यही सब 8-10 पॉइंट, डिहार्निंग कैसे की जाती है, टैटोइंग की जाती है कि नहीं की जाती है बकरी में है ना, और इनकी भोजन व्यवस्था और इनका जो है प्रजनन किस तरीके से कराया जाता है, इसके विषय में आपसे जो है छोटा मोटा पूछ दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक सामान्य बकरी का, पहली बात हम कहें, जीवन काल बहुत कम होता है, 12 वर्ष का होता है। ये देखिए बीएचयू में पूछा जा चुका है कि बकरी या भेड़ का जीवन काल कितना होता है, 12 वर्ष लाइफ स्पान जो होता है 12 वर्ष के करीबन होता है, 12 वर्ष जीती है। और इसके बाद बात आती है कि बकरा और बकरी, मेल एंड फीमेल जो बकरा बकरी होते हैं, तो बकरा जो है 6-12 माह में वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, और बकरी 14-18 महीने में वयस्क होती है। तो अगर बात करें तो बकरे को 6 महीने की आयु में, 6 महीने का जब बकरा हो जाए तो उसको बकरी से अलग कर देना चाहिए, अलग बाड़े में कर देना चाहिए। और अगर किसी बकरे से हमें मीट उत्पादन के लिए बकरा पालन करना है तो फिर हम 6 महीने में उसको जो है कैस्ट्रेटेड कर देते हैं, यानी कि उसका बधियाकरण कर देते हैं। और बधियाकरण के लिए जो है बर्ड जो कैस्ट्रेटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसकी बेसिडी फर्श नलिकाएं जो है तोड़ दी जाती हैं, जिससे कि उसके टेस्टिस में ब्लड का जो है सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ठीक है, देखिए बधियाकरण क्यों बकरे का किया जाता है, क्योंकि बधियाकरण करने के बाद बकरे में जो मांस है, मांस की मात्रा जो है बढ़ने लगती है। ठीक है, और चर्बी बढ़ती है, मांस बढ़ता है। अगर बधिया नहीं करेंगे तो मांस और चर्बी की कमी हो जाती है। ठीक है, और बधियाकरण वाला जो बकरा होता है उसमें चर्बी और मांस प्राप्त होती है, क्योंकि उसका उत्पादन मीट उत्पादन के लिए किया जाता है। अब 6-12 माह में जो बकरा है वो हमारा वयस्क हो गया, बकरी जो है 14-18 माह में वयस्क हुई। अब अगर बात करें कि दोनों की, अब बकरी की स्पेशल बात करते हैं, तो बकरियों को अगर हम कहें कि एक साल में बकरी जो है 2 बार बच्चे दे सकती है, लेकिन अगर उत्तम यही है कि बकरी से एक साल में एक बार ही बच्चे प्राप्त किए जाएं, तो सबसे उचित समय इसके गर्भित कराने का जो बकरी का होता है वो मई का माह होता है। ठीक है, मई के माह में इसको गर्भित कराते हैं, और इसका गर्भकाल जो होता है लगभग 150 दिन के करीबन होता है। तो 150 दिन का मतलब हो गया 5 महीने के करीबन, तो यानी कि मई में गर्भित हुई वाली बकरी जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के करीबन बच्चा देगी। और बकरी एक बार में लगभग 1 से लेकर 4 बच्चे तक देती है। और इसका देखिए यूजेस क्या है, यूजेस बहुत अच्छे अच्छे यूज हैं इसके। देखिए एक बकरा आपने खरीदा अगर 2000 रुपए का, देखिए बच्चा समझिए, देखिए कैसे ये लाभदारी लाभकारक जो है, ये गौटरी, इसको कहते हैं गौटरी, गौटरी बकरी पालन को कहते हैं गौटरी, गौटरी का मतलब बकरी, बकरी पालन। ठीक है, टिगरी का मतलब सुअर पालन, सिपरी का मतलब भेड़ पालन। ठीक है, तो बकरी पालन को गौटरी कहते हैं। अब देखिए कैसे लाभ का विषय है बकरी पालन, देखिए एक बकरी, अगर बकरे को हमने खरीदा मान लीजिए 2000 रुपए है ना, बच्चे को 2000 रुपए में खरीदा, वैसे 2000 से कम ही में मिल जाता है ना, 1000 का मिल जाता है, छोटे ही अगर खरीद लेंगे, वो अगर तुम्हारे घर का है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो उसको मिल ही जाएगा ना। अगर बकरी पालन होगा तो घर में ही बच्चे हो जाते हैं, पहली बात, 1000 रुपया में मान लीजिए आपने खरीदा, और इसको जो है हमने लगभग ये 1.5 साल के करीबन, 1.5 साल में बढ़िया बकरा बन जाता है, क्योंकि वयस्क तो 6 महीने में हो जाता है। अगर हम बात करें तो 12 महीने में बढ़िया मांस उत्पादन इससे हो जाएगा। ठीक है, कितने माह में, 12 माह में। और ये 12 माह में बकरा जो है 1000 या 1500 या फ्री वाला, अगर आपकी ही बकरी है, वो बकरी का बच्चा है, बकरा है, तो फ्री में ही हो गया है ना, तो फ्री में होगा। तो ये जो है 12 माह के बाद आपका इस समय अगर सही बकरा है तो लगभग 15000 रुपए के करीबन बिकता है। कितने का हो गया, 15000 रुपए का। देखिए एक बकरे की स्थिति ये है, यानी कि 14000 रुपया बेनिफिट एक बकरे ने एक साल में दिया। अगर आपने 20 बकरे भी पाल लिए है ना, कितने पाल लिए, कम से कम अगर पालन कर रहे हैं तो 20 से ज्यादा तो होते ही, 20 बकरे आपने डाल दिए और 14000 फायदा मिल रही, 14 नहीं मान लिए 10000 मिल रही है सब कुछ खाना पीना निकाल के, तो 20.2 लाख रुपया आपका हो गया एक साल का बेनिफिट। ठीक है, आपने 20 बकरों में कोई ज्यादा स्पेस की भी आवश्यकता नहीं होती है ना, आराम से जो है चारागाह में घुमा लाए
उसके बाद थोड़ा बहुत दाना चारा डाल दिया। इसके बाद अगर बकरियां भी आपने पाल ली तो उनसे भी मांस और दूध दोनों चीजें प्राप्त हो जाएंगी, है ना। अगर 50 बकरियों का आप झुंड रखते हैं तो आप 4 से 5 लाख रुपया पर ईयर कमा सकते हैं, है ना। और 4-5 लाख ही एक साधारण नौकरी वाला कमा पाता है एक साल में। तो इतना जो है बकरी पालन से भी फायदा है। कोई भी पालन जो है आप देखेंगे, हरियाणा में देखिए, हरियाणा में जींद एक जगह है, जींद वहां पर एक लोग हैं, उन्होंने जो है बकरा पालन शुरू किया है। और वो बैंक में पहले मैनेजर थे, मैनेजर की नौकरी 3-4 साल की, उसके बाद नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसमें 70,000 रुपए उन्हें सैलरी मिलती थी। तो उन्होंने बकरा पालन शुरू किया, बकरा बकरी पालन शुरू किया और आज वो बताते हैं कि हमारी 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर है पर ईयर में। 3 करोड़ मतलब लगभग जो है इधर उधर कर देते हैं, उसमें जो है 1.5-2 करोड़ रुपए उन्हें बच जाता है। तो बताइए 70,000 का मतलब 8 लाख और 1.5 करोड़ ना। तो केवल डेडिकेशन होना चाहिए, काम कोई खराब नहीं। हजारों की संख्या में वो बकरा बकरी जो है खरीदते बेचते हैं, वहीं पालन कराते हैं, डोमेस्टिकेशन होता है बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है। तो ये सेल्फ डिपेंड वाली स्थिति है, ठीक है, सेल्फ डिपेंड वाली स्थिति है। तो अब इस तरीके से बांटनी ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, है ना। छोटा मोटा अगर आप मतलब गाय भैंस पाल रहे हैं या घर में जो भी फटकन बटकन है या जैसे सब्जियां हैं उनके छिलके हैं, है ना, दाना है, आटा है थोड़ा बहुत, तो ये सब खा के 2-4 बकरियां तो ऐसे पली रहेंगी, घर में इतना बच ही जाता है ना। थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिया, थोड़ा बहुत भूसा वूसा डाल दिया, 4 बकरियां भी अगर हो गई तो भी खर्चा पानी निकलता रहेगा, है ना। तो शहरों में भी खूब पाली जाती है, ऐसा नहीं, शहरों में जो है बर्बरी खूब पाली जाती है। बड़े बड़े शहरों में आप समझेंगे डीएमसी में, डीएमसी का मतलब दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डीएमसी में भी बर्बरी बकरी खूब पाली जाती है। बहुत कुछ एरिया अलग है, वैसा नहीं राष्ट्रपति भवन घुसेड़ देंगे, है ना। कुछ एरिया ऐसे हैं स्पेशल डीएमसी में भी, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, जहाँ पर बर्बरी बकरी को खूब पाला जाता है। और देखिए क्यों पालते हैं, क्योंकि बर्बरी जो होती है 0.7 से लेकर 1.5 लीटर तक दूध देती है, 700 ग्राम से 1.5 लीटर, इसीलिए इसको शहरी बकरी कहा जाता है। शहरी बकरी का मतलब है बकरी होती है छोटी और दूध भी 1.5 लीटर दे देती है। शहर के आदमियों की इतनी आवश्यकता है, ज्यादा दूध की उन्हें आवश्यकता भी नहीं है, थोड़ा चाय बना लिए और थोड़ा बहुत जो है पी लिए, ठीक है। तो 1.5 लीटर में शहर के आदमी काम भी चल जाता है, बकरी का भी, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, थोड़े चारे में काम चल जाता है उसका, चाय भी। लेकिन बकरी का दूध है बहुत फायदेमंद, है ना। बकरी के दूध फायदेमंद क्यों है, क्योंकि इसमें लैक्टोज की मात्रा जो होती है, लैक्टोज देखिए शर्करा, कौन सी शर्करा है, लैक्टोज शर्करा होती है मिल्क में, और लैक्टोज शर्करा की दूध में मात्रा बकरी के जो होती है वो 4.27% होती है, है ना। और साथ साथ में फैट इसमें होती है थोड़ा कम, ये इसमें होती है बसा, और इतनी बसा होने के बाद इसकी बसा गोलिकाएं जो होती हैं, फैट ग्लोब्यूल्स जो होती हैं, गोलिकाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। कैसी होती हैं गोलिकाएं जो होती हैं, वो बहुत बड़ी होती हैं, जिसके कारण इसके डाइजेशन में कोई समस्या नहीं होती है, बहुत आसानी से बकरी का दूध पचता है। और एक बात बता दें, जिसको अगर बुढ़ापा न लाना हो अपनी बॉडी में, वो हमेशा जो है बकरी का दूध पिए। बकरी का दूध अगर कोई रेगुलर अपनी पूरी जीवन पीता है तो 100 साल की उम्र में भी 50 साल का देखेगा, अगर पूरी जीवन पीता है बकरी का दूध। क्यों, क्योंकि बकरियां, कहा जाता है कि बकरी हमेशा मुंह चलाती रहती है, मुंह चलाने मतलब अगर गई चारागाह में तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां खाती है, विभिन्न प्रकार की, और उसी वनस्पति का अर्घ दुग्ध में आता है। तो यानी कि सब मेडिसिन आपको इसे प्राप्त हो जाने प्रकृति से। और बकरी अगर कहीं हिमालय भी चरने वाली हुई तो फिर समझ लीजिए स्वर्ग यहीं पर है ना, स्वर्ग नरक फिर ईश्वर नहीं देगा, फिर यहीं पर स्वर्ग है। अगर बकरी आपको आप हिमालय पर चरा लाए, घुमा लाए, और हिमालय पर इतने टाइप्स की वनस्पतियां हैं और उसने उसको खाया और तुमने उसका दूध पिया, तो फिर दूसरी कहीं जगह है नहीं यहाँ पर स्वर्ग जाने की आपको आवश्यकता हो, स्वर्ग तो वैसे यहीं पर है, ठीक है। यही धर्मयुद्ध है, धर्मयुद्ध, धर्म क्या है, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं यही आपका धर्म है, अगर इसी को सही से नहीं किया तो तुम फेल हो गए,
है ना, लोग सोचते हैं कि नहीं हम और किसी चीज में सही कर लेंगे, जो आप कर रहे हैं वही धर्म, और ये इसी में 100% डेडिकेशन करिए तो आप समझ लीजिए धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इसी को आपने चोरी किया इसके साथ, चीटिंग भी पढ़ाई के साथ, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको सौंप दिया काम अब कि आप पढ़ाई करिए, ये आपका धर्म है कि आप उनको बढ़िया से बढ़िया फीडबैक दें, और हम बता दे रहे हैं निश्चित तौर पर जिसने अपना 100% दे दिया उसका सिलेक्शन हम क्या, विश्वविद्यालय क्या, खुदा भी नहीं रोक सकता है, चाहे खुद श्री कृष्ण भगवान उतर आए नीचे वो भी नहीं रोक सकते अगर उसका डेडिकेशन 100%। क्योंकि गीता जो है, गीता का पहला पाठ विद्यार्थियों किसी को अगर पता हो तो बताएं, गीता का पहला अध्याय क्या है? देखिए हम बता दे रहे हैं, गीता जो है उसका पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। गीता का पहला अध्याय जो है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग, विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। इसी में श्री कृष्ण भगवान ने, अर्जुन नाराज हो गए, वो नाराज नहीं मतलब टूट चुके थे, रथ लिए हुए खड़े थे कौरवों के सामने, और जिसने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरा महाभारत का युद्ध देखा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूरी महाभारत को किसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तो संजय ने देखा था, और संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि अर्जुन युद्ध में खड़े हैं, और उस समय अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य जी और उनके सामने भीष्म पितामह, उनके गुरुजन, उनके दादा, सभी बड़े बड़े लोग खड़े थे, और अर्जुन जो है गांडीव अपना रख करके बैठ गए। तो जब गांडीव रख के बैठ गए तो कहा कि अब हम जो है, हमें कोई लालच नहीं है, हम कुछ नहीं लेंगे इस संसार में, अब हमें आप जाने दीजिए और हम जो है लड़ाई नहीं करें, हमें राजा नहीं बनना है, दुर्योधन बनने दीजिए, हम अपने गुरु के ऊपर अस्त्र नहीं चला सकते हैं, जिन्होंने हमें ही अस्त्र चलाना सिखाया, हमें सिखाया है धनुष पकड़ना नहीं आता था, और गंडीप से हमें जो है ऐसा धनुष चलाना सिखाया जो ये कई बार में हम गिरा देते हैं अच्छे अच्छों को, तो ये आपको हम इसलिए शिक्षा दे रहे हैं, हम भी तुम्हारे गुरु हैं, अगर कभी चलाने की नौबत आ जाए तो बिल्कुल चला देना, अगर हम गलत रास्ते पे हैं, रास्ता अगर गलत है तो ये हम आपको शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आपके गुरु, माता पिता, भाई बहन कोई भी आपके धर्म युद्ध के सामने खड़ा हो तो आप जो है निश्चिंत होके उसके ऊपर वार कर दीजिए, क्योंकि मरता कोई नहीं है। अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मधुसूदन कहा गया है उनको गीता में, मधुसूदन ने कहा कोई मरता नहीं है, उसकी आत्मा अमर है, ये केवल वस्त्र है, और इस वस्त्र को जो है उतार के वो आत्मा दूसरी जगह चली जाएगी। असल में भीष्म खुद चाहते थे कि हम अर्जुन के हाथों में मारे जाएं, क्योंकि मैं धर्म, उन्होंने खुद कहा था बाद में कि मैं अधर्म की तरफ से आया हूं, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं धर्म के हाथों मारा जाऊं, है ना। अगर मैं गलत हूंगा, गुरु अवश्य हूं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा यही होगी कि सत्य की तरफ, है ना। तो इसीलिए जो है धर्म की लड़ाई में आप बिल्कुल पीछे नहीं हटिएगा, ये धर्म की लड़ाई है, और आपके माँ बाप ने जो आपको धर्म दिया है, धर्म आपका यही है, हिंदू नहीं धर्म है, जो तुम लोग समझ रहे हो हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म अर्म नहीं, ये तो सब मनुष्य के द्वारा बनाए हुए बाद में ढकोसले हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा धर्म कुछ नहीं है, धर्म केवल तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हारे कर्म है वही आपका धर्म, ठीक है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं, ये तो सब बाद में बना दिया, ये वो धर्म, ये जाति, ये बांटना जो है, बताया था ना हमने आपको कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान, ठीक है। तो ये सब इंसान के द्वारा बांटा हुआ सिस्टम है, लेकिन आपका प्रमुख धर्म जो है आज आपका धर्म यही है कि जो आप कर्म कर रहे हैं, आपका इस समय कर्म विद्यार्थी जीवन में होना चाहिए, 1 साल से लेकर के और 5 साल तक आपकी शिशु अवस्था होती है, उस समय आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर
नहीं डालेगा। इस समय आपका धर्म ये है कि आप अभी जो है मेहनत करिए, क्योंकि पढ़ाई और शिक्षा ही आपका धर्म है। समय आपके ऊपर जो बताया है आपके गार्जियन ने, शिक्षा सौंप दी है, तो यही आपका धर्म। जो कर्म आप कर रहे हैं समय, यही धर्म है, और इसको पूरे लगन के साथ करिए। अगर इसमें आपने थोड़ा बहुत ऊंच नीच किया तो फिर ये धर्म किसी को माफ नहीं करता है। अगर आप 100% इसको दे रहे हैं तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे। ये हम बता रहे हैं, ये विश्वविद्यालयों की दम नहीं है तुम्हें बाहर कर दें, अपने यहाँ ना पढ़ाएं, उनकी क्या औकात है। लेकिन एक ये है कि आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और कभी भी ये ना सोचना, अगर किसी ने ये सोच के पढ़ाई कर ली तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा कि हम पढ़ रहे हैं उसके बाद हम विश्वविद्यालय में जाएंगे और फिर कपोल क्रियाएं दिमाग में करने लगो कि वहां जाएंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे रहेंगे, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कर्म करते रहिए, उसकी इच्छा को आप न सोचिए क्या है इच्छा, उसकी इच्छा ना कीजिए कि फल क्या मिलेगा। फल की इच्छा जिसने की उसका कर्म सिद्ध नहीं है, फिर वो ढोंग है। कर्म करिए, कर्म की इच्छा नहीं कीजिए, केवल आप डेडिकेटेड होकर पढ़िए बस, उसके बाद में जो होगा वो होगा, तब देखा जाएगा। अगर अभी से तुमने कपोल क्रियाएं करना शुरू कर दिया दिमाग में तो फिर समझ लीजिए कि काम आपका जो है नहीं होगा। ठीक है, केवल मेहनत ये करिए कि हम जैसे बकरी पढ़ा रहे हैं तो कोई ऐसा प्रश्न ना आ जाए जो बकरी से बाहर चले। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर में ऐसा क्यों बता है। ठीक है, तो हम बता रहे थे बकरी के विषय में। तो बकरी जो है 14 से 18 माह में वयस्क हो जाती है, और बात आ रही थी कि बकरी का गर्भकाल 150 दिन के करीबन होता है। अब बात आती है कि एक बार अगर बकरी बच्चा दे देती है तो उसके लगभग 6 से 8 सप्ताह बाद फिर वो हीट पर आती है। जैसे आज बकरी ने बच्चा दिया, 1 से 4 बच्चे तक देती है मैक्सिमम, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो उसने बच्चे दिए और बच्चे देने के बाद फिर वो 6 to 8 वीक्स, यानी कि बच्चा देने के 6 से 8 का मतलब हो गया 42 से लेकर के और 56 दिन के बीच में फिर हीट पर आएगी। और अगर उस समय हीट पर आई और आपने पहली बार, खैर हीट पर आए बकरी, तो उसको गर्भित नहीं कराना चाहिए। दूसरी या तीसरी बार में अगर आप चाहें तो गर्भित करा सकते हैं, और फिर लगातार वो जो है लगभग 18 दिन के बाद जो है 18 दिन के बाद हीट पर लगातार आती रहती है। अगर आप उससे दोबारा बच्चा चाहते हैं तो आप उसको गर्भित करा सकते हैं। और इसका हीट पीरियड जो बकरी का होता है विद्यार्थियों, वो अगर सर्दियों की बात करी जाए तो 24 से 48 घंटे का होता है। 24 से 48 घंटे तक हीट पे रहती है। कभी भी हीट की शुरुआत के समय में बकरी को बकरे से मेल नहीं कराना चाहिए, गर्भित नहीं कराना चाहिए, नहीं तो जो हमने गर्भित कराया है उसका एम्ब्रियो सेटलमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो रही थी। अब भोजन व्यवस्था की अगर बात करें हम बकरी की, तो लगभग देखिए वजन के अनुसार 2 प्रकार से भोजन देंगे बकरी को, एक तो बाय वेट, एक बाय मिल्क प्रोडक्शन। अगर वजन के अनुसार हम बकरी की बात करें तो 50 किलो वजन की अगर बकरी है, लगभग एवरेज जो वेट होता है बकरी का वो होता है 50 किलो। 50 किलोग्राम की बकरी को 500 ग्राम हम जो है राशन देते रहेंगे। केवल हमें और कुछ ना करना होगा, बकरी को जिंदा रखना, ऐसा समझ लीजिए जिंदा रहेगी। तो 50 किलोग्राम वजन पर 500 ग्राम जो है राशन बकरी को देते हैं। अगर यहीं पर बात आ जाए कि बकरी अगर दूध दे रही है, हमारी मिल्क प्रोडक्शन कर रही है, तो भाई दूध तो ऐसे निकलेगा नहीं, या तो फिर उसको चराइए, चारागाह में ले जाइए, नहीं तो फिर उसको 3 किलोग्राम दुग्ध पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त राशन देंगे। इतने ग्राम दुग्ध पर 3 किलोग्राम दुग्ध पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त राशन बकरी को हम खिलाएंगे। अगर यहीं पर देखिए ये उत्पादन हुआ बकरी से शरीर के अनुसार उत्पादन, 50 किलो भार पर 500 ग्राम अतिरिक्त राशन और दुग्ध उत्पादन पर अतिरिक्त राशन दिया हमने। अगर यहीं बकरे की बात की जाए तो 1-4 वर्ष का बकरा लगभग होता है, जो वो सबसे ज्यादा प्रजनन करता है, प्रजनन के योग बकरा होता है 4 वर्ष का। तो 1-4 वर्ष के बकरे जो होता है बकरा, उससे लगभग हम 1 वर्ष में 107 बकरियां गर्भित करा सकते हैं, 107। और इसको जो है
जिस प्रकार से इससे हम प्रजनन ले रहे हैं, तो प्रजनन के अनुसार 500 ग्राम अतिरिक्त राशन लगातार देते रहेंगे। ठीक है, अगर गर्भित करा रहे हैं इससे बकरियों को, तो उसको अतिरिक्त राशन की 500 ग्राम अतिरिक्त राशन की आवश्यकता रेगुलर रहती है। तो ये हुआ। अब बात आती है बकरियों में नस्लों की, तो नस्लों का देखिए डिवीजन किया गया है बहुत तरीके से। मांस वाली नस्लें कौन है, ऊन वाली नस्लें कौन है, है ना, दुग्ध वाली कौन है, दुकाजी कौन है। ठीक है, तो इनका ब्यौरा आपको बताएंगे, उसके बाद नस्लों का डिस्क्रिप्शन बता के ये बकरी पालन जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट आपका है देखिए, बकरी को गरीबों की या निर्धनों की कामधेनु कहा जाता है। पहला पॉइंट काय कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि गरीबों की कामधेनु। अब भाई इसके पास ज्यादा करोड़ों लाखों रुपया है नहीं बिजनेस फैलाने के लिए, या हजारों में भी नहीं है, तो गाय नहीं ले सकता, भैंस नहीं ले सकता। आजकल भैंस भी 40-50 हजार की आ रही है, गाय भी ठीक ठाक 20-25 हजार 30 हजार तक की आ रही। तो बेचारा 1-2 हजार में अगर काम चलाने वाला व्यक्ति है तो गरीब है, तो अपना बकरी ले लिया है ना, और 1-1.5 लीटर दूध भी उसे मिल रहा है उसके परिवार के लिए, और बढ़िया दूध मिल रहा है। उसके बाद अगर उसने बच्चा दे दिया तो 3-4 और हो गए उसके सहपाठी, उसी से वो अपना बढ़ा लेगा। तो इसीलिए गरीबों की काम देनु कम पैसे में काम कर देने वाली बकरी है। ठीक है, थोड़ा बहुत घूमने खुद गया तो वहीं बकरी को घुमा लाया, तो उससे जो है चर लिया उसने, तो उसको उससे बेनिफिट हुआ इसे, है ना। फिर आता है अगला पॉइंट, एक बकरी को एक दिन में 3.5 से 5 किलोग्राम तक चारा दिया जाना चाहिए। जो चारे की मात्रा है वो ये है, और 1 किलोग्राम उसमें सूखा चारा होना चाहिए। ये राशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये चारा है। क्या है? चारा है। राशन का मतलब होता है जो दाना देते हैं मात्र, ठीक है, ये तो देंगे, ये तो मतलब सप्लीमेंट नहीं है, ये आधार है। जैसे हम मकान बनाते हैं तो नींव तो भरनी पड़ेगी, ईंटें लगानी पड़ेंगे, बाद में फिनिशिंग कर देते हैं, पुट्टी उट्टी लगा के वो अच्छा लगने लगता है। वही है जो तुम, रोटी तो बेस मटेरियल है ना, आदमी रोटी तो खाता है 475 ग्राम रोज अन्न खाता है, प्रतिदिन की उसकी स्थिति है 0.5 किलो, और उसके बाद 0.5 किलो खाते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी पर प्रोडक्शन राशन नहीं मिल रहा है, फिर उसके साथ कहीं दूध पी लिया, केला खा लिया या फल खा लिया, तो ये सप्लीमेंट हो जाता है। वही बकरी की स्थिति है कि ये तो इसे देंगे ही देंगे 3.5 से 5 किलोग्राम। अब इसके साथ अगर सप्लीमेंट की हम बात करें तो इसे जो है राशन देंगे। जो राशन होगा वो इसका, जैसे तुम लोग दूध खाते हो फल खाते हो, वही इसका दूध और फल है राशन, जो अतिरिक्त राशन दे रहे हैं। ये तो इसकी रोटी है ना, 3.5 से 5 किलोग्राम जो फीड है बकरी का, ये इसके लिए भोजन है, यानी कि बेस बनाएगा बाटी के लिए। ठीक है, ये इसमें जो है राशन अतिरिक्त होता है, सप्लीमेंट के रूप में काम करता है, और इस चारे में 1 किलोग्राम सूखा चारा होना चाहिए, यानी कि सारा हरा नहीं होना चाहिए, कुछ सूखा भी होना चाहिए। अब सूखे में अगर हम कहें तो अरहर का भूसा देख लेते हैं, है ना, इस तरीके का सूखा हो, है ना, मिला मलू के खिला देते हैं। तो ये है, कुछ भी डाल दीजिए, देखिए बकरी खा सब लेती है, हमने बताया था, कुछ भी हो, अरे बकरी तो समझ लीजिए कुछ भी खा सकती है, कांटे भी खा लेती है, खतरनाक है ना। झरबेरी जो होती है, जुजुपस, जुजुबा होता है बेर, और जुजुपस मारिटियाना जो होती है झरबेरी, झरबेरी को भी खा जाती है बकरी, समझिए आप, खतरनाक स्थिति की होती है ना, कांटे वाटे उसे नहीं लगते। तो ये है, तो इस तरीके से 3.5 से 5 किलोग्राम चारा देंगे, 1 किलोग्राम सूखा चारा, और उसके बाद इसको जो है राशन देंगे। आगे देखते हैं, आगे देखिए विद्यार्थियों, अब देखिए दुधारू बकरी की यहाँ पर बात आ रही, तो हमने बताया था 3 किलोग्राम, जैसे कोई बकरी 3 किलोग्राम दुग्ध दे रही, कितना दुग्ध दे रही, 3 किलोग्राम, तो ऐसा नहीं कि चारा बंद कर दें उसका, चारा जो 3.5 से 5 किलोग्राम दे रहे वो तो देते रहिएगा, और साथ में 3 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम जो है राशन देते हैं। ठीक है, राशन देते हैं,
और जो 50 किलो जैसे इसका वजन है वो वाला राशन अलग से देंगे, प्लस प्लस करेंगे इसमें। 50 किलो अगर बकरी का वजन है, कितना है 50 किलो, तो वजन वाला जो 500 ग्राम था भैया वो हम देते रहेंगे इसको, है ना। तो 1.5 किलो का राशन हो गया बकरी के लिए, और तुम कहोगे 1.5 किलो हम भैंस को देते हैं, यही तो है स्थिति। गांव में जो है 1.5 किलो एक ले जाते हैं छोटी कटोरी में, अब भैंस इतनी बड़ी कटोरी में ले गए, जितना अपना रोटी खा लेते हैं लोग, जितने आटा है उतना आटा ले जाके उसे जो है उल्लू बना के भूसे मिला देते हैं, कहते हो गया। अरे ऐसे नहीं काम चलता है, तभी दूध नहीं देती है भैंस। भैंस के लिए दाना चाहिए कम से कम 10 किलो, 8 किलो चाहिए चाहिए, 10 किलो दाना चाहिए, और वो दाना ऐसा नहीं चाहिए अध कुचला दाना चाहिए, बिल्कुल आटा वाला, ये भी गलत। अध कुचला का मतलब दरिया टाइप, और दरिया को आप गर्म कीजिए, और गर्म करने के बाद खिलाइए, देखिए आपका 2 से 3 लीटर दूध तुरंत बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भोजन आप खुद सही देंगे नहीं उसे, भूसे में जो है उसे मिलाते रहेंगे, सोचेंगे वो, और उसके साथ उसके पशु को जो है, बच्चे को जो है सोचेंगे कब मरे, है ना, जो दूध है थोड़ा बहुत वो भी हम ले लें, ठीक है। तो इस तरीके से राशन देंगे, 3 किलोग्राम दूध बराबर 1 किलोग्राम राशन ये वाला देंगे, प्लस जो बजर वाला राशन था वो भी इसको देंगे, यानी कि 1.5 किलोग्राम टोटल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अगला है देखिए, बकरा 6 से 12 माह में और बकरी 14 से 18 माह में वयस्क हो जाती है, और जैसे ये वयस्क हो 6 माह में इसको बकरी के बारे से अलग कर दो, बकरी के नहीं जो बकरियों को परेशान करेगा, बकरी के बाड़े से अलग कर देंगे, बकरी के बाड़े से अलग कर देंगे इसे, ठीक है, बकरी के बाड़े से अलग कर देंगे। अधिकतर बकरियां अक्टूबर नवंबर और मई जून माह में गर्भित होती हैं, देखिए इससे गर्भधारण लेना चाहिए, सही समय जो है, सही समय जो बकरी के गर्भधारण करने का है वो ये है, लेकिन अगर कहीं हमने कभी इस मौसम में ना हो पाई तो यहाँ पर भी करवा सकते हैं, अक्टूबर से नवंबर में भी गर्भधारण करवा सकते हैं बकरी को, और इस मौसम में गर्भधारण की हुई बकरी आपको पता है 5 महीने बाद लगभग बच्चा देगी, ठीक है। अगर कोई अच्छी नस्ल है तो आप 2 बार 20 साल में इससे बच्चा ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये हो गया आपका, है ना, कितने माह में वयस्क होती है। नेक्स्ट अगला है, बकरियों का औसत गर्भकाल जो होता है 150 दिन बताया था आपको, 150 डेज। दूसरी और तीसरे ब्याह काल में बकरियों का दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है, देखिए जो पूछा जाता है बकरियों का दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक कब होता है, तो दूसरे और तीसरे ब्याह काल में बकरियों का दुग्ध उत्पादन जो होता है सर्वाधिक होता है, दूसरे और तीसरे ब्याह काल में, ठीक है। सेकेंड और थर्ड लैक्टेशन पीरियड जो होता है उसमें सबसे ज्यादा दूध बकरियां देती हैं, सेकेंड एंड थर्ड लैक्टेशन, सेकेंड एंड एंड थर्ड लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब होता है एक ब्याह काल, ठीक है, लैक्टेशन का मतलब होता है विद्यार्थियों एक ब्याह काल, एक ब्याज काल को ही एक लैक्टेशन कहा जाता है, तो सेकंड और थर्ड लैक्टेशन में अच्छा दूध दे दूं, ठीक है। चलिए आगे अगला नेक्स्ट है, बकरियों का जीवन काल 12 वर्ष, देखिए ये बीएचयू में पूछा जा चुका है प्रश्न, एक बार बीएचयू की परीक्षा में पूछा जा चुका है कितना होता है जीवन काल, 12 वर्ष का होता है। और अगला प्रश्न है, 4 वर्ष का एक स्वस्थ बकरा 1 वर्ष में 107 बकरियों को गर्भित कर सकता है, कितनी बकरियों को, 107 बकरियों को 4 वर्ष का एक बकरा जो है गर्भित कर सकता है, ठीक है, 4 वर्ष का जो होता है बकरा, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका, पीक यील्ड है, ये 4 वर्ष का जो बकरा है ये इसकी पीक यील्ड होती है ना, पीक यील्ड है, इससे ज्यादा नहीं कर पाए, फिर इसके बाद जो है ये बकरियों को कम गर्भित करना शुरू कर देगा, और इसकी एज जो है 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो ये पीक यील्ड है, सबसे ज्यादा इसी समय कर पाएगा 4 वर्ष में, फिर उसके बाद धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा,
और शुरुआत में भी पहली साल इससे जो है 20 बकरियों को ही गर्भित कराना चाहिए, ज्यादा से नहीं, ठीक है। फिर दूसरी साल में संख्या बढ़ाते जाएंगे, चौथी साल में हाईएस्ट जो है कम गर्भित करने लगेगा। तो ये स्थिति होती है बकरे की। चलिए आगे देखते हैं। और इस समय इसको जो है अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भी तो उत्पादन ही है। ये क्या है? उत्पादन है भाई। बच्चे मिलेंगे आपको तो ये नए बच्चे मिलेंगे, 1000 रुपया नहीं देना पड़ेगा, 2000 है ना फ्री मिल जाएंगे, तो उत्पादन ही तो है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, मई जून के महीने में बकरी को गर्भित कराना उत्तम रहता है, बताया था हमने। आमतौर पर प्रसव के 6 से 8 सप्ताह बाद बकरी गर्मी पर आती है। इसका यह काल गर्मी पर आती है इसका यह काल होने तक 18 से 21 दिन के अंतर में आती रहती है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि बकरी जब बच्चा देगी उसके 6 से 8 सप्ताह यानी कि 42 से लेकर के 56 दिन बाद, जैसे आज बच्चा दिया तो आज के 42 से लेकर 56 दिन तक ये गर्मी पर नहीं आएगी, और आज के 42 से 56 दिन बाद गर्मी पर आएगी, और उस गर्मी पर आने के बाद ये लगभग 18 से 21 दिन के अंतराल से, है ना, दिन के अंतराल से, ये अंतराल है, इतने दिन के अंतराल से ये जो है लगातार गर्मी पर आती रहेगी। जब आपका मन हो तब आप इससे जो है इसको गर्भित कराकर इससे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 से 21 दिन के अंतराल से गर्मी पर लगातार आती रहती है, ठीक है। तो 18 से 21 दिन के अंतराल पर गर्मी पर आती रहती है, और इसका जो हीट पीरियड होता है वो लगभग 24 से 48 घंटे का होता है, कभी कभी 3 दिन भी लिख देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्दियों में हीट पीरियड 24 से 48। अब देखिए ये 3 दिन इसीलिए इसको लिख देते हैं, हाईएस्ट जो होता है 48 आवर्स होता है। तो ये देखिए 24 दुनी 48, लगभग 2 दिन से ऊपर, इसीलिए इसको 3 दिन लिख दिया जाता है, या कभी कभी लिख के आता है 3 दिन, तो इसको ही सही मान लेते हैं, क्योंकि रात वाला टाइम लगभग जोड़ते नहीं है, है ना, तो 3 दिन के करीबन हो जाता है, ठीक है। और गर्मियों में ये जो है 18 से 26 घंटे तक ही जो है हीट पर रहती हैं, ठीक है। और एक चीज होती है कि हीट आने के बाद लगभग 15 घंटे के बाद बकरे से मेल कराना चाहिए। बकरियों का मेल जो है हीट पर आने के 15 घंटे बाद ही इनका मेल बकरों से कराना चाहिए। कितने घंटे बाद? 15 घंटे बाद मेल कराना चाहिए, 15 घंटे बाद मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। कितनी देर बाद होनी चाहिए? 15 घंटे बाद मीटिंग होने से क्या होगा कि आपका फर्टिलाइजेशन जो है एम्ब्रियो सेट हो जाएगा। अगर इससे पहले करा देते हैं, एक्चुअल बात ये होती है कि स्पर्म की लाइफ कम होती है, ओव्यूल की लाइफ अधिक होती है। तो पता चला स्पर्म आपने पहले वहां पर भेज दिया और एम्पुला में पहुंच गया वो सर्वेक्स के माध्यम से, अगर वहां पर जो है ओव्यूल ना आया तो ये 6 घंटे में मर सकता है स्पर्म। स्पर्म की लाइफ जो होती है 6 आवर्स होती है, और ये अगर मर गया तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो एम्पुला में पहले एक को आने दीजिए, एक की लाइफ अधिक होती है, तो एक जब आ जाएगा तो स्पर्म इधर से जाएगा, दोनों जो है फर्टाइल हो जाएंगे और उसके बाद जो है एम्ब्रियो सेटल हो जाएगा, इसीलिए 15 घंटे के बाद उसको जो है यहाँ से भेजते हैं। चलिए आगे है, बकरों को 6 माह की उम्र तक बर्डियो कंस्टेटर नामक यंत्र बढ़िया कर देते हैं, जिसके इसके मांस की गुणवत्ता बढ़ जाती है ना। अगर बढ़ियाकरण करना हो इसका तो 6 माह की उम्र पर, क्योंकि हमने बताया था वयस कब हो रहा है, ये वयस हो रहा है 6 माह में, और जब वयस होगा तभी इसको हम क्या करेंगे, बर्डियो कैस्टेटर से बढ़ियाकरण इसका कर देंगे, कैस्ट्रेशन कर देंगे, और इसको जो है मांस उत्पादन के लिए, लेकिन जो बकरे लिए जाते हैं उनको ही हम केवल बर्डियो कैस्टेटर से बढ़िया करेंगे, ना कि प्रजनन वाले को, ठीक है। प्रजनन वालों को तो नहीं करेंगे बढ़िया, जो मांस उत्पादन के लिए लिए जा रहे हैं उनको हम बढ़िया कर देंगे, और इससे जो है उत्तम क्वालिटी का मांस जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है नर बच्चों का 2 से 5 दिन की आयु में तथा मादा बच्चों का 12 दिन की आयु तक कास्टिक सोडा या विद्युत विहारनर का प्रयोग करके सींग रोधन करते हैं। देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि नर का जो है जल्दी और मादा का थोड़ा लेट कास्टिक सोडा या विद्युत विहारनर के द्वारा इसका सींग रोधन करते हैं। अब देखिए नर का अधिक क्यों, क्योंकि नर के सींग आपने देखे होंगे तेजी से बढ़ते हैं। एक बकरा देखना, बकरे के सींग ज्यादा अपेक्षाकृत बकरी के सींगों के अत्यधिक बड़े होते हैं, भयावह। तो बकरे के सींग तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए 2 से 5 दिन में ही, और बकरी के सींग 12 दिन में जो है कास्टिक सोडा या जो है इलेक्ट्रॉनिक डिहार्नर के द्वारा इसको जो है हम सींगरोधित कर देते हैं। ठीक है, सींगरोधन की विधि हम आगे आपको बताएंगे किस प्रकार से सींगरोधन करते हैं। आप चाहें एक चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं हम तुम्हें, है ना, थोड़ा थक गए होगे। देखिए किस प्रकार से डिहार्निंग की जाती है गांठ में, देखिए कैसे सींग इसका जो है 2 से 5 जब दिन का होता है तो इसमें डिहार्निंग कर देते हैं। देखिए चिल्ला भी रही है बेचारी, है ना, कोई बात नहीं, चिल्लाने दीजिए। ये देखिए दिखाई दे, खोपड़ी है बकरे की, ये देखिए ये बकरी की खोपड़ी दिखाई दे रही होगी, इसमें दो ऊपर की तरफ आंखें दिखाई दे रही होंगी। ये आंखें नहीं है, ये जहां से सींग निकल रहा है ना वो वाला इसका पॉइंट है, और यहाँ के बाल काट दिए इसने। बाल काटने के बाद क्या किया, इसमें देखिए रेड रेड हल्का सा दिख रहा हुआ है, इस एरिया को जो है कैंची से या ब्लेड से साफ कर देते हैं, और उसका जो पीक पॉइंट होता है जहाँ से सींग निकलता है, क्योंकि 2 से 5 दिन में जो बहुत नरम रहता है, और उसको भी हल्का सा छील के कास्टिक सोडा लगा के, क्योंकि जलनशील होता है तो ये सारी जो है सेल्स जो है उनको डैमेज कर देता है, तो सींग आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता। इसी तरीके से इसको डिहार्निंग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट है बकरियों के जन्म के समय निचले जबड़े में जो है दांतों की संख्या 8 होती है। ये आप याद कर लीजिएगा कि निचले जबड़े में जो है 8 दांत होते हैं, 8 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 8 दांत। अगली बात आती है हूफ ट्रिमिंग, खुर संभालना। देखिए बकरियों में खुर जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं जिससे चलने में परेशानी होती है, प्रत्येक माह में खुर संभालने चाहिए। देखिए बकरियों के खुर जो होते हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं ना पैर के, पैर के नाखून बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, अगर वो अगर काटो ना, अगर हाथ के ही ना काटो तो ऐसे हो जाएंगे, इतने लंबे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, है ना, फिर खाना कैसे खाओगे, कहीं जाओगे तो दिक्कत होगी। पैरों के अगर अपना काटिए तो लगातार बढ़ते रहेंगे, फिर चलने में समस्या हो जाएगी। जूता पहनोगे तो जूता जो है समझ लीजिए क्या हो जाएगा, जूता पैर में डालोगे तो फिर जूता जो है 2 ही दिन चलेगा, 3रे दिन वो नाखून जो है आपके उसको नुकसान पहुंचा देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से बकरी भी है बेचारी, तो उसके भी बढ़ जाते हैं, क्या करें, तो काट नहीं पाती है, तो दौड़ने भागने में उसे दिक्कत होगी, चलने में दिक्कत होगी, तो उसकी हूफ ट्रेनिंग करते हैं, हर महीने में करते हैं, चाहिए मतलब उसके जो है खुरों को जो है काट देना चाहिए, जो भी अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई हो उनमें, उसके नाखूनों में उनको काट दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग काटते हैं अपने उसी तरीके से, तो ये हूफ ट्रेनिंग हो, यानी कि खुरों को काटना हूफ ट्रेनिंग कहलाती है। इसके बाद है 100 बकरियों को रहने के लिए 12x16 मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अगर बकरों का बाड़ा बकरियों के बाड़े से 16 मीटर दूर रखा जाता है जिससे कि बकरी के दूध में कैप्रिक एसिड के कारण महक नहीं आएगी। ठीक है, एक बकरे का बाड़ा, अगर एक बकरे के बाड़े की बात करें तो 2.5x2 मीटर का होना चाहिए। ये देखिए बाड़ों की बात यहाँ पर की जा रही है, अगर 100 बकरियों को हमें एक साथ पालना हो तो 12 मीटर जो है लंबा और 16 मीटर चौड़ा, इस तरीके से 12 मीटर लंबा होना चाहिए और 16 मीटर जो है चौड़ा होना चाहिए, इस तरीके से बाड़ा हो।
उसमें 100 बकरियां पाली जा सकती हैं। अगर एक बकरे की बात करें तो 2.5 मीटर लंबा और 2 मीटर जो है चौड़ा आपका बाड़ा होना चाहिए इस तरीके से। और ये 16 मीटर जो है अगर बकरे को बकरी से दूर रखेंगे तो कैप्रिक एसिड की महक नहीं आएगी दूध से। जैसे बकरी का दूध कुछ लोग पीते हैं कहते हैं गंदा रहा है ना, या इसमें से कुछ महक आ रही है अलग तरीके से, तो महक कैप्रिक एसिड के कारण आती है। अगर आप 16 मीटर से दूर बकरा बनाए बकरी से तो वो बकरे की गर्दन से आती है। अगर आप 16 मीटर दूर बांध देंगे तो फिर बकरी और गाय के दूध में महक जिस प्रकार से गाय का दूध होता है उसी प्रकार से बकरी का दूध आपको मालूम पड़ेगा, आप अंतर नहीं बता पाएंगे, है ना। तो ये स्थिति रहती है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है बकरी का दुग्ध संगठन। देखिए दुग्ध का संगठन अगर बकरी का हम देखेंगे तो इसमें फैट कंटेंट जो होती है वसा की मात्रा 4.25% यानी कि गाय से भी कम लगभग। प्रोटीन जो होती है वो 3.52%, ठीक है। लैक्टोज या शर्करा, ये देखिए अधिक है लैक्टोज या शर्करा 4.27%, माँ के दुग्ध में सबसे अधिक होती है 6% के करीबन। खनिज जो होता है इसमें मिनरल्स जो होते हैं वो 0.86% होते हैं, और जल जो बकरी के दुग्ध में होता है ये भी काफी होता है 87.10%, ठीक है। फैट 4.25%, प्रोटीन 3.52%, लैक्टोज 4.25%, खनिज 0.86%, वाटर 87.10%, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीजें इसमें जो है और इसमें जो है लैक्टोज की मात्रा ज्यादा है, साथ में फैट की मात्रा कम होने के कारण कहा जाता है कि बकरी का दूध बच्चों और टीबी रोगियों के लिए उत्तम होता है। टीबी, अरे टीबी रोगियों नहीं, और हम बताएं तुम्हें जिनकी रोग कहते हैं, अबे तुम्हें बहुत चलता है, रोगियों के लिए उत्तम इस समय बहुत शहरों में चलता है। शहर वाले क्या करते हैं, जिस समय इन्हें थोड़ा जो है कहने लगते हैं हमारी प्लेटें कमजोर हो गई या खत्म हो गई, प्लेटें खत्म हो गई, बाजार से मंगा लेते 10-20 हम बेच देते प्लेटें, क्या लोग ऐसे कहते हैं प्लेटें कम हो गई। अरे प्लेटें चाय रखने चली नहीं होंगी और क्या, प्लेटें कम हो गई, वो प्लेटें नहीं प्लेटलेट्स नहीं लोग बोलते हैं, प्लेटें कहते हैं। तो प्लेटें क्या बाजार में थोड़ी बाजार मिलती है, प्लेटलेट्स जो होती है। अब देखिए वायरल शहरों में या गांव में खूब चल गया है, कहीं डेंगू वाला कहीं मलेरिया वाला, तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से प्लेटलेट्स जो होती है वो डाउन हो जाती है। प्लेटलेट्स कम होने के लिए अब क्या है, आपके शरीर में प्लेटलेट्स जब नहीं होगी तो आपका शरीर इम्यूनिटी है नहीं, तो अगर दूध और पी रहे हो ऊपर से भैंस का या गाय का तो उसमें फैट है देखिए 5% से अधिक, तो वो तुम्हारी बॉडी, क्योंकि बच्चा और बीमार और बूढ़ा 3 पॉइंट कहे हैं बुद्ध ने भी, एक शिशु, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सब और एक सन्यासी, इन 5 के पास कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। और वो सन्यासी नहीं कहलाते हैं जो राजयोग करते हैं। राजयोग में कहा गया है कि साम दाम दंड और भेद सब अपनाना पड़ता है तभी राज चलता है, और जो राजयोग अपनाएगा वो सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि सन्यासी को बुद्ध ने संज्ञा दी है बच्चा, बूढ़ा, बीमार, शव और सन्यासी, ये सब एक तरीके के होते हैं। सबको कोई मतलब है क्या, लोग कहते हैं कि मर गया आदमी है उसके चाहे तुम लाठी मारो चाहे डंडा मारो वो तो मरा है, उसी के समान एक बच्चा है, उसको उठाकर अगर आप फेंक देते हैं बाहर तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि क्यों फेंक दिया, उसके पास अगर सर्प आ जाता है तो उस सर्प को पकड़ लेगा, दौड़ेगा नहीं, ट्रेन सामने आ जाती है तो बैठे ही रहेगा। बिल्कुल उसी तरीके से एक बिल्कुल बीमार व्यक्ति, वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी भी यही स्थिति, एक सब एक सन्यासी, सन्यासी भी इसी तरीके से होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करता है सन्यासी, राजा रिएक्ट करता है, राजा के पास साम दाम दंड और भेद सब होते हैं, लेकिन एक सन्यासी कभी राजा नहीं, क्योंकि सन्यासी को बच्चे और गुणों की तरह समझाती गई, ना कि
राजा की तरह शरीर लिए। राजा के पास जो होता है तम भी होता है रज भी होता है, दोनों योग होते हैं, और जिसके पास तम और रज दोनों नहीं होंगे वो राजा हो ही नहीं सकता, और रज और तम आ गया तो सन्यासी नहीं, ये कभी एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन इस समय कलयुग है, योगी है सब सही, ठीक है। तो बच्चों टीवी रोगियों के लिए उत्तम है, यानी कि दोनों के शरीर बेकार, बच्चे का भी शरीर कमजोर होता है और टीवी रोगी का भी शरीर कमजोर होता है, इसलिए फैट देखिए कम है, आराम से डाइजेस्ट करता है और लैक्टोज की मात्रा भी इसमें उत्तम होती है जिससे कि वो डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए बच्चे को मापा दूध भी दिया जाता है, कहा जाता है कि 6 माह तक बच्चे को मापा दूध उत्तम रहता है, क्यों, क्योंकि उसमें लैक्टोज की मात्रा अधिक रहती है। अब कहते हैं देखिए, लोग बाहरी दूध अगर बच्चे को पिलाते हैं तो कहते हैं उसमें शक्कर डालिए, ये नेचुरल शक्कर है इसमें, इसीलिए वो शक्कर नहीं मानता है, इसमें शर्करा अपने आप उपस्थित 6% के करीबन है ना, और इस ये बहुत हल्का दूध होता है तो वो आराम से पचा सकता है। और ये देखिए ये भी हल्का है, अगर भैंस का दे देंगे बच्चे को तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, आदमी नहीं कर पाता है, बच्चे की बात छोड़िए। और खीस जो होती है, लोग खीस मजे में खा जाते हैं, 95% खीस इज बेस्ट बाई ह्यूमन नीड, अगर खीस खा लिया, फटा खा लिया भैंस का या गाय का, फटा का मतलब होता है तो ब्याने के 15 दिन तक गिजरी आती है, मोटा पीला दूध, जो पीला दूध होता है आदमी शौक में खा जाता है कि हाँ हम खा लेंगे और बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, आदमी की आंत उस दूध को नहीं बचा सकती है, 95% दूध वेस्ट जाता है, उसको केवल उसका ही बच्चा पचा सकता है, जानवर आदमी नहीं उसे पचा सकता, ठीक है। तो आदमी को ज्यादातर हो तो सन्यासी लोग उस दूध को पीते भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं नेचर के अपोज में नहीं चलते हैं, सपोज में चलते हैं, इसीलिए कहा गया कि सन्यासी लोग नहीं पीते, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बकरी का दुग्ध संगठन है ना, फैट प्रोटीन लैक्टोज खनिज और जल है ना, बच्चे और टीबी रोगियों के लिए उत्तम होता है, क्योंकि इसकी वसा गोलिकाएं होती बड़ी बड़ी होती है, आराम से डाइजेस्ट हो जाती है, छोटी इतनी वसा गोलिका होगी उतना जो है डाइजेस्ट होने में दिक्कत होगी, बड़ी होगी सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एंजाइम्स बढ़िया से काम करेंगे तोड़ डालेंगे उसे 2 मिनट के अंदर, है ना, नहीं समझे बात को। देखिए अगर फैट ग्लोब्यूल्स इतनी बड़ी है तो इसमें एंजाइम, देखिए ये ग्लोब्यूल्स है हमारे शरीर में गई, ये एक एंजाइम महाराज आए है ना, दूसरे आए इधर से, तीसरे आए इधर से, चौथे आए इधर से, सबने घेर लिया, ऐसे बड़ा एरिया इन्हें मिल गया, ज्यादा एंजाइम जो है काम करने लगे तो इसको तोड़ ताड़ के अलग कर देंगे। अगर फैट ग्लोब्यूल्स छोटी सी है इतनी बड़ी, तो अब इसमें एंजाइम कह रहे कि यार हमें तो जगह नहीं मिल रही, तुम ही चले जाओ, कोई कह रहा तुम ही चले जाओ, है ना, तो कम पहुंच पाएंगे, इसलिए उसका जो है पाचन सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है जितनी बड़ी फैट ग्लोब्यूल्स उतना ही ज्यादा डाइजेशन अच्छा हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बकरी के दुग्ध का अपेक्षित घनत्व, तो देखिए याद कर लीजिए 1.033 होता है, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, अपेक्षित घनत्व 1.033 होता है, आगे देखें। अगला है बकरी की नस्लों का वर्गीकरण। अब देखिए ब्रीड्स की बात अगर करें तो ब्रीड्स बहुत तरीके से बटी हुई हैं। तो पहले नंबर पर बटी है, आपको शायद दिख रही होंगी, दुधारू नस्लें, दूसरे पर मांस वाली नस्लें। तो दुधारू में देखिए बहुत सारी नस्लें आती हैं, इसमें आती है आपकी बीटल, बर्बरी, जखराना, मालाबारी, सूरती और मेहसाना। कौन कौन सी है? बीटल भी दूध वाली है, बर्बरी तो बहुत ज्यादा दूध वाली है, छोटी नस्ल है लेकिन, सूरती है, मेहसाना है, जखराना है और मालावारी है ना, जखराना मालावारी, देखिए मालावारी समझ गए होंगे, मालावार तट पर पाई जाती है केरल के पास, मालावार तट है ना, तो इसीलिए इसका नाम लोग दिया गया है मालावारी, ठीक है। बर्बरी बारबरा शहर अफ्रीका में है, जखराना दक्षिणी भारत की नस्ल है ये जखराना, उसके बाद सूरती समझ लीजिए कहां पर है ना, और इसके बाद आती है आपकी मेहसाना,
अरेबिया की नस्ल है मुख्य रूप से सूरती। इसको एक बार यूपी कैटेट में पूछा गया है, यूपी कैटेट में एक बार इसको पूछा गया है कि ये मुख्य रूप से कहां की नस्ल है ना, ये जो है अरेबिया की नस्ल, मुख्यतः अरेबिया की नस्ल है। यही लड़के कंफ्यूज करते हैं, सूरती को समझ के गुजरात जो है घूमने चले जाते हैं, लेकिन अगर वो प्रमुख रूप से पूछे तो अरेबिया की नस्ल है, अरब सागर, अरब की, ठीक है। अरब कहाँ पड़ता है आप जानते ही होंगे, अरब सागर से ऊपर वाली जो कंट्री है सऊदीया है या संयुक्त अरब अमीरात है, वहां की नस्ल सफेद होती है, ठीक है। अभी दिखाएंगे सूरती को हम कैसी होती है, सबके चित्र दिखाएंगे, सफेद नस्ल होती है सूरती की। उसके बाद मेहसाना। अब बात आती है मांस वाली नस्लों में, तो मांस वाली नस्लों में देखिए इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, सब इसी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। आपको केवल बात समझना है कि किस किस तरीके से पढ़ना है। ब्लैक बंगाल है, बहुत अच्छा मांस, बहुत अच्छा मांस होता है इसका, है ना। मांस के लिए अगर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो ब्लैक बंगाल। अभी हम दिखाते हैं आपको, जैसे कि ब्लैक मुर्गा होता है इसका नाम क्या है, कड़कनाथ, कड़कनाथ मुर्गा देखा है, चलिए दिखाते हैं कड़कनाथ। इसका पूरा का पूरा जो कड़कनाथ होता है, कड़कनाथ है ना, ये भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जो है इसका पालन करवाया है कड़कनाथ का, और खूब बेचते हैं इसको क्योंकि सबसे महंगा बिकता है ये, और इसका जो है मांस सबसे ज्यादा पसंद भी किया जाता है, ये होता है कड़कनाथ मुर्गों में सबसे अच्छा मुर्गा कड़कनाथ, ठीक है ना। इसका मांस पूरे विश्व में पसंद किया जाता है, भारत में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी ने इसका पालन करवाया है, बहुत सारे कड़कनाथ मुर्गों का जो है कल्टीवेशन किया। पूरा काला होता है, कहीं सफेद नहीं होता, इसका मांस भी काला होता है, ये नहीं कि ये ऊपर से काला है, ये अंदर से भी काला है। लोग कहते हैं तुम बाहर से काले हो कि अंदर से, दोनों तरफ से काला है। देखिए इसका मांस भी दिखाते हैं अगर, तो इसका मांस भी काला है, ठीक है। और इसकी बेलू बहुत है, ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि 200 रुपए किलो वाला हो, ठीक है, ये 500-600 रुपए किलो बिकता है ना। और एक मुर्गे का वजन भी बहुत होता है, देखिए छोटा वोटा नहीं, जिसकी टांगे टेढ़ी हो वो वाला मुर्गा नहीं है, चल ना पाता हो। ये देखिए इसका मीट है, ये भी ब्लैक, ये देखिए ये कड़कनाथ रखा है, इसका मीट लाल नहीं होता है मांस, इसका मांस भी काला होता है, इसीलिए इसके सबसे हाईएस्ट दाम होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति इसका पालन कराते हैं। ये देखिए 600 रुपए किलो, और ये 5 किलो का लगभग होता है, 4-5 किलो का मुर्गा, 56-30 3000 रुपए का एक मुर्गा हो गया, और वो दसियों हजार मुर्गे पलवाते हैं कड़कनाथ के। इसका मांस एक्सपोर्ट भी किया जाता है बड़े बड़े होटलों में, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार, ठीक है। तो ये वो वाला मुर्गा नहीं है जो आप लोग जो है ब्रायलर देखते हो, अभी दिखा रहे हैं ब्रायलर, इंडियन ब्रायलर, ये है देखिए कड़कनाथ का मांस। अगर हम इंडियन ब्रायलर की बात करें, इंडियन ब्रायलर देखिए दिखाते हैं, सफेद वाला जो तुम लोग समझते हो ये मुर्गा है, ये मुर्गा नहीं है, इसका मांस खाना भी नहीं, इंडियन ब्रायलर देखिए, ये इंडियन ब्रायलर, ये वाला जो है ये बेचारा चलने को मोहताज है ना। ये जो मुर्गा होता है सफेद वाला, ये बेकार है, इसको नहीं खाइएगा कोई, ये वाला जो सफेद मुर्गा है जो यहाँ पर बिकता है उसकी टांगे टेढ़ी होती है, चल नहीं पाता, ठीक है, इसमें खुद ही नहीं दम है चलने की, तुम्हें क्या चलाएगा, ठीक है। ये वाला ब्रायलर नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ब्लैक बंगाल की, अच्छा ब्लैक बंगाल दिखाते हैं आपको, ब्लैक बंगाल गॉड, ब्लैक बंगाल गॉड, देखिए ब्लैक बंगाल मांस के लिए सबसे उत्तम वैरायटी है बकरी की, ये देखिए ये है ब्लैक बंगाल, इसीलिए इसका
नाम ब्लैक बंगाल रखा गया है, काली होती है पूरी। यह है ब्लैक बंगाल का बकरा, ये देखिए ये भी काला है बिल्कुल, है ना। इसका मांस जो होता है सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, ये ब्लैक बंगाल, ठीक है, ये ब्लैक बंगाल है। ये इसका मांस जो होता है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का बकरियों में होता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है मारवाड़ी आसाम हिल बावरी, है ना, प्रजातियां हैं ये मारवाड़ी आसाम हिल बावरी, गंजम और पच्छी, ठीक है। ये सभी इसकी मांस वाली प्रजातियां हैं, ब्लैक बंगाल, मारवाड़ी, आसाम हिल बावरी, गंजम और पच्छी। इससे पहले हमने आपको दुधारी बताई, बीटल बरवरी, जफराना, मालावारी, सूरती, मेहसाना, ये सब जो है दुधारू प्रजातियां हैं। ब्लैक बंगाल, मारवाड़ी, आसाम हिल बावरी, गंजम और पच्छी, ये सब मांस वाली हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रजातियों में आती है आपकी द्विकाजी, देखिए जमुना पारी, है ना, कौन सी पारी, जमुना पारी। अभी दिखाएंगे इसको जब डिस्क्रिप्शन से पढ़ाएंगे इसके जस्ट बाद, तो जमुना पारी कैसी देखने में लगती है भी बताएंगे। ये इसका जन्म स्थान जो है इटावा में चंबल और यमुना, जहां पर डाकू रहते हैं, डकैत, सहसो और चकर नगर क्षेत्र इटावा में पड़ते हैं, वो इसका जो है ओरिजिन प्लेस कहा जाता है। इसके बाद उस्मानाबादी, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है उस्मानाबादी। मारवाड़ी, सिरोही, जलवादी, सिरोही और जलवादी, ये भी जो है डॉल पर्पस ब्रीड है, ये सब पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल्स हैं, सभी आपको याद रखने हैं। इसके बाद ऊन वाली नस्लों में चेंगू, गद्दी, चंगथंगी और बाखरवाल, चेंगू, गद्दी, चंगथंगी और बाखरवाल, ये सब देखिए ऊन वाली का मतलब है कि ये हिमालयी क्षेत्र की भेड़ है, इनका दुग्ध बहुत अच्छा होता है। हिमालयी क्षेत्र की बकरी का अगर दुग्ध मिल जाए तो समझ लीजिए आप अगर किसी भी बहुत भयंकर रोग से ग्रसित है वहीं रह के 6 महीना पी लीजिए, ठीक हो जाओगे, है ना, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। केवल वो बकरी जो है हिमालय पर चरने जाती हो, बस इतना होना चाहिए। वो जो है खुली छोड़ दीजिए आप, कुल्लू मनाली या हिमालय की घाटियों में चर के शाम को आ जाए, एक लोग पीछे चला जाए, क्योंकि वहां इतनी औषधियां हैं, इतने प्लांट हैं कि वो खाएगी जरूर। बकरी का ये उद्देश्य होता है कि कोई पेड़ उससे छूटा नहीं, और सब पेड़ को खाएगी, वो उसी का अर्क उसके मिल्क में आएगा, समझ लीजिए आप एंटीबायोटिक पूरी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे भी उसका दूध बहुत पौष्टिक होता है, तो हिमालय की बकरी जो होती है उसका दूध मिल जाए तो सर्वोत्तम दूध खा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ऊन वाली नस्लों में आती है चेंगू, गद्दी, चंगथंगी और बाखरवाल। नेक्स्ट, अब देखिए जमुना पारी नस्ल के विषय में हम आपको बताएंगे। हमने बताया था कि इसका ओरिजिन प्लेस जो है इटावा जिला, इटावा और मध्य प्रदेश के बीच में जो सीमा पड़ता है, जो बीहड़ कहा जाता है, जंगल है, गली इरोजन का बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर दो नदियां आकर मिलती हैं, चंबल और यमुना, उस बीच में सहसो और चकर नगर जो क्षेत्र है उसको इसका जन्म स्थान कहा जाता है। अब बरवरी की विशेषताएं देखिए बताते हैं, वो जमुना पारी घाट, जमुना पारी घाट आपको पहले दिखा देते हैं, फिर इसके जो है लक्षण भी आपको बताएंगे। ये देखिए जमुना पारी, ये देखिए बकरा है, बकरी भी दिखाएंगे। इसके लक्षणों में आता है कि भूरा और काला धब्बा होता है शरीर पे, देखिए भूरा मतलब सफेद और काला धब्बा, ये काला है सफेद है। कहा जाता है कि इसके सींग जो होते हैं लंबे होते हैं और ऐसे लगेंगे जैसे टूट गए हो। तो देखिए कितने लंबे कान है इसके, यहां से देखिए नापिए इतने लंबे कान, बहुत ज्यादा लंबे नहीं है क्या, और टूटे हुए से लग रहे हैं। इसका माथा निकला हुआ होता है, चेहरा उभरा हुआ होता है, देखिए यहाँ पर इसका चेहरा साधारण तो नहीं लग रहा, पहले ऐसा आना चाहिए था फिर ये ऐसा हो गया, उभरा हुआ चेहरा है, देखिए चेहरा उभरा हुआ है, कान लंबे हैं। इसके पिछले पैरों पर बाल अत्यधिक
घने होते हैं, ये देखिए बाल इसके पिछले पैरों पर घने हैं कि नहीं, अत्यधिक बाल है शरीर की अपेक्षा, घने बाल है इसके पिछले पैरों पर, इसके कान देखिए अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, इसका चेहरा आगे उठा हुआ और सींग चपटे होते हैं, देखिए सींग चपटे हैं कि नहीं, ये देखिए चपटे सींग है इसके। तो ये हो गई आपका जमुनापारी, ठीक है जमुनापारी। देखिये जमुनापार यमुना नदी के उस साइड, इसीलिए इसको कहा जाता है जमुनापारी, है ना। यमुना नदी को जब क्रॉस करेंगे इधर साइड से, यानी कि हम जो है नॉर्थ साइड से क्रॉस करेंगे अब यमुना को, तो उसको कह देंगे जमुना पार। कुछ लोग कहते हैं गंगा पार, तो गंगा पार फिर जमुना पार, तो इसीलिए जमुना पारी, ठीक है। यमुना नदी को क्रॉस करने के बाद जो मिलता है उसी को कह देते हैं जमुना पारी। चलिए अगला देख लो, तो ये हमारी हो गई, इसमें जो है लक्षण लक्षण बताई दिए हैं आपको, सहसो और चकरनगर क्षेत्र इसका जन्म स्थान है, ठीक है। आगे देखते हैं, लक्षण आपको हमने सारे के सारे दिखा दिए, वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस नस्ल की बकरियों का माथा चौड़ा उभरा हुआ, देखिए अभी दिखाया था उभरा हुआ होता है। इस नस्ल के बकरों की दाढ़ी होती है ना, बकरों की दाढ़ी भी होती है नीचे मुंह में। इसके कान 25 से 30 सेंटीमीटर भी दिखाए थे, लंबे होते हैं, पीछे लटकते हुए ऐसे लग रहा है जैसे तोड़ दिए हों किसी ने इसके कान, है ना। दाढ़ी भी होती, पूछा जाता है दाढ़ी किस नस्ल की होती है, तो जमुनापारी के। कान लंबे होते हैं, सींग चपटे होते हैं, पिछली पैरों पर अत्यधिक घने बाल होते हैं, ये इसकी स्थिति रहती है जमुनापारी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है इसके शरीर पर काले भूरे धब्बे होते हैं, देखिए अभी दिखाया था काला और भूरा धब्बा, पिछले पैरों पर लंबे और घने बाल होते हैं, ये भी दिखाया था आपको। इसके सींग चपटे होते हैं, ये भी दिखाए थे सींग चपटे होते हैं। अब ये इसका मिल्क प्रोडक्शन जो है 4 से 5 लीटर दूध उत्पादन प्रतिदिन देती है, यानी कि दूध बढ़िया देती है, एक बार में लगभग 2 किलो 2.5 किलो के करीबन दूध दे देती है। तो मिल्क प्रोडक्शन इसका सही है, 4 से 5 किलोग्राम जो है पर डे होता है, तो मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़िया नस्ल है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है बर्बरी, ठीक है। तो बर्बरी जो बकरी है, इस नस्ल की पैदाइश पूर्वी अफ्रीका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, कहां पर इसकी पैदाइश है। ये जो है बर्बरी की पैदाइश जो है पूर्वी अफ्रीका का बरवरा शहर माना जाता है, परंतु भारत में इस नस्ल की बकरियां दिल्ली हरियाणा करनाल और उत्तर प्रदेश में भी बहुतायत से पाली जाती है, ठीक है। तो ये जो हो गया बर्बरी का, कहां पर मेन ओरिजिन प्लेस है, जो पूर्वी अफ्रीका है, लेकिन भारत में अगर हम बात करें, हमने बताया था कि छोटी नस्ल है, शहरी नस्ल है। देखिए बर्बरी दिखाते हैं कैसी होती है, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं मिलेगी आपको, ये देखिए जैसे बड़ी है, ये देखिए बर्बरी बकरियां हैं, छोटी छोटी बकरियां मिलती हैं, ऐसा लग रहा है बच्चे हों बकरी, है ना। शहर के लिए इसीलिए इसको शहरी नस्ल भी कहा जाता है, कि भाई शहर का आदमी क्या चाहिए उसे, थोड़ा 1-1.5 लीटर दूध मिल जाए, वही 1.5 लीटर दे देती है, चाय वाय बना लेते हैं, है ना, और थोड़ा सही रहता है। उसके बाद 2-3 किलो गेहूं चारा में इसका जीवन यापन हो जाता है, और ये चरने वरने भी नहीं ज्यादा जाती, खूंटे पे बैठ बैठ के अपना जो है खाती रहती है, और थोड़ा वो दूध दे देती है। उसके बाद अगर इसका नर हो गया तो मांस उत्पादन भी हो जाता है उससे, ठीक है। तो ये है आपकी बर्बरी बकरी, ठीक है, छोटी सी बकरी होती है, और इसका ओरिजिन प्लेस जो है पूर्वी अफ्रीका को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में देखिए दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, करनाल में भी है, और उत्तर प्रदेश में भी, जहां जहां शहरी क्षेत्र है वहां पर ये बकरी पाई जाती है। चलिए देखते हैं, अगला देखेंगे इसमें, इस नस्ल का कद नाटा होता है, नाटा छोटा है, यानी ये होने के साथ साथ कान भी छोटे, इसका रंग सफेद और काला अभी दिखाया था, कभी कभी सफेद काला धब्बे हो, कभी कभी सफेद लाल धब्बे दोनों हो जाते हैं। यह छोटी बकरियां होती हैं जो शहरों में बहुतायत से पाली जाती हैं, कहां पर ज्यादा पाली जाती हैं, शहरों में, तो इसलिए इसको शहरी बकरी भी कहा जाता है। अगर आ जाए कि शहरी बकरी कौन होती है,
तो वो होती है बर्बरी बकरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिल्क प्रोडक्शन इसका ज्यादा होता नहीं है। मिल्क प्रोडक्शन, यह बकरी एक ब्याज काल में 470 लीटर या प्रतिदिन 700 ग्राम से लेकर के 1.3 लीटर यानी कि 1.5 लीटर तक लगभग दूध देती है। 700 ग्राम से लेकर के 1.5 लीटर तक मिल्क जो है प्रतिदिन के हिसाब से ये बकरी जो है दे देती है। ठीक है, तो इसलिए छोटी नस्ल है, इतना ही दूध देती है, ज्यादा नहीं देती है। ठीक है, इसके बाद सूरती आती है। सूरती देखिए सफेद होती है, दिखा देते हैं आपको। सूरती जो होती है व्हाइट होती है। सूरती जो होती है सफेद होती है, ये देखिए बताया था ना आपको, सफेद होती है सूरती। सूरती जो है सफेद नस्ल है, ये इस तरीके की होती है, व्हाइट, इसी को सूरती कहते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरी सफेद है, इसको सूरती नस्ल कहा जाता है, व्हाइट नस्ल रंग होता है इसका पूरा का पूरा। जो लिखा है बेटा गलत नहीं लिखा है, अब ये है कि तुम लोग जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, वो अलग की बात है। मूल स्थान अरेबिया है इसका, ये पूछा गया यूपी कैटेट में, उन्हें बताया भी था कि ये प्रश्न एक बार आ चुका है कि इसका मूल स्थान कहाँ है, ये अरेबिया है। इस नस्ल की बकरियां सफेद होती हैं और भारत में प्रमुख रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में पाली जाती हैं। भारत में अगर बात करी जाएगी तो सूरत गुजरात, इसीलिए इसका नाम सूरती रखा गया है। सूरत गुजरात और महाराष्ट्र में भी इसको जो है पाला जाता है बहुतायत से, लेकिन मेन इसका ओरिजिन प्लेस अगर पूछा जाए तो अरब देश अरेबिया को कहा जाता है। ठीक है, सफेद रंग की पूरी बकरी होती है। ठीक है, चलिए आगे। अगला, इसका प्रतिदिन जो है दुग्ध उत्पादन 1 से 2 लीटर तक होता है, ज्यादा दुग्ध नहीं देती है, लेकिन फिर भी बर्बरी बकरी जितना दुग्ध दे देती है। तो ये मिल्क ब्रीड कहलाती है, यानी कि दुधारू नस्ल कहलाती है सूरती। इसके बाद आती है कश्मीरी। देखिए कश्मीरी जो होती है इससे हम जो है पश्मीना प्राप्त करते हैं। कश्मीरी देखिए कैसी होती है, पश्मीना देखिए आप देख लीजिए, कश्मीरी ये देखिए, ये लग रही होगी भेड़, है ना, ये बकरी है, भेड़ की तरह लग रही है, यही पश्मीना है। जो इसमें विशेष प्रकार के देखिए बाल पाए जा रहे हैं, यही बाल पश्मीना है। पश्मीना की शॉल बहुत महंगी आती है ना, बड़े बड़े मार्केटों में जो है इसकी साल की कीमत होती है पश्मीना की सर्दियों में 13,000 से 15,000 रुपए, 15,000 रुपए तक की साल मिलती है, एक साल की कीमत होती है 15,000 रुपए। ठीक है, पश्मीना की, लेकिन बहुत पतली साल होती है ना, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक कश्मीरी बकरी में, एक कश्मीरी बकरी जो होती है एक साल में केवल 56 ग्राम ही पश्मीना निकाल पाती है, समझिए। और 56 ग्राम जब पश्मीना निकलेगा तो बहुत सारी बकरियों से मिलकर एक साल बनेगी, इसीलिए उसकी कीमत जो है 15,000 रुपए करीबन होती है। पश्मीना प्योर की अगर होगी, आपके स्वेटरों में कभी कभी आपने देखा होगा वो लिख देते हैं पश्मीना, लेकिन उसमें लिखा रहता है देखना ध्यान से पश्मीना 5%, 5% पश्मीना मिलाते हैं, बाल ऐसे निकले रहते हैं इस बकरी के। ठीक है, तो इसी को पश्मीना कहते हैं। एक साल में ये 56 ग्राम ही पश्मीना निकाल पाती है प्रोसेसिंग के बाद। ठीक है, तो इसके लिखा होगा इसके शरीर पर सफेद और काले, देखिए सफेद काले अभी दिखे थे ना आपको, महीन सिल्की बाल होते हैं जिन्हें पश्मीना कहा जाता है। आप लोग अपने बाल सिल्की कराते घूमते हैं ना, कुछ लोग जो है हमने देखा है सिल्की, इसके तो नेचुरली सिल्की है, प्राकृतिक सिल्की बाल है। कुछ लड़के जो है अपने बाल करा लेते हैं पीले, कुछ करा लेते हैं हरे, और कहीं हमें डर ये लगता है हरे हरे करा दिए, बाज ने कहीं झपट्टा मार दिया ऊपर से, सोचे तो होता आ गया है ना। तो ये सिल्की कराते रहते हैं, लेकिन इसके जो है नेचुरली सिल्की बाल होते हैं। ठीक है, पश्मीना जिससे प्राप्त होता है, सफेद हल्के से जो है भूरे काले बाल होते हैं उसी को पश्मीना कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पश्मीना का वार्षिक उत्पादन, देखिए 56 ग्राम प्रति पशु होता है प्रति ईयर, 56 ग्राम प्रति पशु प्रति ईयर, एक साल में 56 ग्राम जो है, तो इतना महंगा ही है, इसीलिए पश्मीना महंगा है ना। एक पशु से 56 ग्राम केवल हम ले पा रहे हैं बाल एक साल में,
है ना, तो महंगा तो हो ही जाएगा, अपने आस पास होगा, ठीक है। लेकिन गर्म बहुत होता है। गद्दी या चंबा, ये नस्ल है गद्दी या चंबा, यह देखिए ऊन वाली नस्ल है। नस्ल मूलतः कांगड़ा घाटी के आसपास पाली जाती है। इसका वार्षिक उत्पादन जो होता है 700 से 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ये ऊन वाली है ना, गद्दी जो है ऊन वाली नस्ल है, और इसका ओरिजिन प्लेस जो है कांगड़ा या कुल्लू की घाटियां जो है माना जाता है, हिमाचल में है, हिमालय पर्वत पर कांगड़ा या कुल्लू की घाटियां। तो ये भी एक ऊन वाली नस्ल है, और लगभग 1 किलोग्राम के करीबन एक साल में ऊन देती है। इसकी ऊन भी जो है स्वेटरों में बुनी जाती है, महंगी ऊन वाली होती है। ऐसा नहीं ये बकरियां दूध नहीं देती, दूध देती है लेकिन कम देती है ना, 1-8 किलोग्राम के करीबन दूध देती है। चलिए आगे, अगला है बीटल। देखिए बीटल जो है ये दुधारू नस्ल है। इस नस्ल का मूल स्थान पंजाब से रावणपिंडी पाकिस्तान तक माना जाता है। देखिए पंजाब से लेकर के रावणपिंडी पाकिस्तान तक माना जाता है। और बीटल हम दिखाते हैं किस प्रकार देखने में लगती है। बीटल ये देखिए, इसके रंग कोई बहुत ज्यादा निर्धारित नहीं है, ये इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी बीटल, लगभग लगभग जमुना पारी की तरीके से। लेकिन अंतर देख लीजिए, ये ना सोच लेना कि जमुना पारी है। क्यों? क्योंकि इसके कान देखो, उसके कान देखो, है ना, उसके कान बहुत लंबे थे, इसके कान उतने लंबे नहीं है, ठीक है। तो यही इसमें अंतर है। इसका चेहरा जरूर उठा हुआ है ना, चेहरा कैसा है, उठा हुआ है, पीछे बाल नहीं है। तो इस तरीके की ये है बीटल, ठीक है। पंजाब से लेकर के इसका जन्म स्थान है, पंजाब से लेकर के रावणपिंडी पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये बीटल एक मिल्च ब्रीड है, दुधारू नस्ल है। यह जमुना पारी से मिलती जुलती है, हमने बताया था ना, मिलती जुलती है लेकिन पूरी नहीं है। रंग काला सफेद धब्बे युक्त होता है, मिलती जुलती है, लेकिन पूर्ण जो है इसको जमुना पारी हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो पूर्ण जमुना पारी नहीं, अगर पूछ दिया जाए कि जमुना पारी से मिलती जुलती नस्ल कौन सी है, तो वो है बीटल, ठीक है। चलिए आगे, अगला है दुग्ध उत्पादन 4.5 किलोग्राम प्रति व्यास, यानी कि लगभग जमुना पारी कितना दुग्ध उत्पादन अच्छा देती है ये बीटल, ठीक है। इसके बाद आती है अंगोरा, जिससे मोहर प्राप्त होता है। देखिए इसको जरूर दिखाएंगे, नहीं तो तुम कहोगे मोहर क्या है, ये मोहर नहीं दिखाया हमने, ठीक है। तो अंगोरा को देख लीजिए, अंगोरा बाट, ठीक है। तो इसमें देखिए ये है अंगोरा, ये है इसके जो विशेष प्रकार के बाल है, ये देखिए बाल किस तरीके से टेढ़े मेढ़े, इन्हीं बालों को मोहर कहते हैं ना, जो टेढ़े मेढ़े इसके बाल होते हैं यही मोहर कहलाते हैं। अंगोरा नस्ल है, देखिए किस तरीके की है, ये भेड़ लग रही है बकरी, हमें समझ नहीं आ रहा है ना। तो ये है बकरी, देखिए चेहरा थोड़ा डिफरेंट है भेड़ से। एक भेड़ आपने देखी होगी, हो सकता है आ रही है सोशल मीडिया पे, उसका मुंह बहुत छोटा है, बालों से इतनी ज्यादा भरी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए अंगोरा ब्रीड, इसमें जो बाल है इसके टेढ़े मेढ़े यही मोहर कहलाते हैं। तो अंगोरा के बाल ही क्या कहलाते हैं, मोहर कहलाते हैं। मोहर पूछा जाता है किससे प्राप्त होता है, तो अंगोरा नस्ल से प्राप्त होता है। इसका मूल स्थान मध्य एशिया, हिमालय की तलहटी और तिब्बत क्षेत्र को माना जाता है, ठीक है। यानी कि हिमालय के उस साइड वाला पार्ट जो है, इस साइड वाला नहीं, उस साइड वाला है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, हिमालय की तलहटी उस साइड वाली, यानी कि तिब्बत साइड वाली है ना। और साथ साथ में जो है मध्य एशिया, इसका जो है ओरिजिन प्लेस है, और इसी के जो बाल है प्रमुखता, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मोहर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, आगे इसके शरीर पर उगने वाले विशेष किस्म के बालों को मोहर कहते हैं, अभी हमने आपको दिखाया था। इसके बाद लास्ट ब्रीड आती है आपकी मेहसाना। तो मूल स्थान इसका गुजरात का मेहसाना जिला, परंतु शुद्ध वंशी पशु जो है राधनपुर जिले में पाए जाते हैं, जो कच्छ के बगल में है राधनपुर, ठीक है। राधनपुर में इसके मुख्य पशु पाए जाते हैं, लेकिन ओरिजिन प्लेस जो है गुजरात का जो है मेहसाना जिला माना जाता है, ठीक है। गुजरात का मेहसाना जिला मूल स्थान है,
लेकिन इसके शुद्ध वंशी पशु जो होते हैं वो राधनपुर में पाले जाते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, राधनपुर में ही आपको जो कच्छ है उसके भी जो कच्छ का रन है उसके बगल में ही यहीं पर आपकी पापरेज भी पाई जाती थी, भैंस की नस्ल जो पापरेज की। ठीक है, चलिए आगे, भैंस की नहीं है, गाय की है पापरेज ना। इनका रंग गहरा भूरा से लेकर के काला तक होता है। यह जंगलों में चरना पसंद करती है। इसका रंग कैसा है? गहरा भूरा से लेकर काला। देखिए दिखाते हैं मेहसाना, नहीं तो कहोगे मेहसाना ही नहीं दिखाई, मेहसाना गॉट मसाना नहीं किया, चलिए कोई बात। ये देखिए किस तरीके की है, काला रंग देखिए आ गया, गहरा भूरा से काला तक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर काला वाला दिखाया गया है। ब्लैक बायर मीडिया किसी ने दिया। इस प्रकार की है मेहसाना। ठीक है, ये इस तरीके की बकरी जो है इसको कहते हैं मेहसाना। ये गुजरात के मेहसाना जिला इसका ओरिजिन प्लेस है, और इसके शुद्ध वंशी पशु जो है वो राधनपुर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पाए जाते हैं, कच्छ के रन के बगल में पाई जाती है बकरी। ठीक है, तो ये है आपकी मेहसाना, इसको मेहसाना लिखा, ये गुजराती भाषा में लिखा है ना, मेहसाना नहीं लिखा उन्होंने, और ना को राड़ा पढ़ते हैं गुजराती, गुजराती जो है ना को राड़ा पढ़ते हैं ना, तो गुजराती होते हैं वो ला पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मेहसाना, चलिए आगे देखिए। तो देखिए आज आपको जो है हमने बकरी पालन के विषय में बताया, कल आपका जो है मुर्गी पालन और भेड़ पालन के विषय में चर्चा होगी, तो आप लोग जो है इसी समय उपस्थित हों। और हाँ, आज जो है जीएस की क्लास शाम को चलेगी, तो सभी लोग जो है उस पर आइए, यूट्यूब पर चलेगी, उसमें आज जो है आपको भारत का भूगोल हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलिए अब आपकी बायो की क्लास चलेंगे।
भाई, सभी बच्चों को गुड इवनिंग है। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाए। कल बच्चों हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र के बारे में, और उसमें हमने आपको 45 क्वेश्चन करा दिए थे, 45 क्वेश्चन के आसपास हमने आपको करा दिया था, और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताई थी। आज रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग करते हैं, उसमें क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक भाई, चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, यहाँ लिखा है भाई, ठीक है, यहाँ लिखा है भाई कि रेनिन जो होता है, रेनिन का श्रावण किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे लिखा है रेनिन, एक बार यहाँ पे आपको याद करके चलना भाई कि रेनिन जो रेनिन होता है बच्चों, ये कहाँ से निकलता है। RENIN यहाँ लिखा है, एक नाम होता है रेनिन, जो रेनिन होता है बच्चों ये कहाँ से निकलता है, इसके बारे में पूछा गया है कि रेनिन का श्रावण किसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहली बात आप याद करेंगे, जो रेनिन होता है बच्चों ये निकलता है किडनी से। पहली बात आपको याद करना है मोटा मोटा, ये कहाँ से निकलेगा बच्चों, किडनी से निकलता है, जिसको हम वृक्क के नाम से जानते हैं, किडनी कॉन्फ्लिक भाई, किडनी से पहली बात। दूसरी बात यानी किसकी, अगर किडनी के अंदर और थोड़ा सा जाएंगे तो या और क्या मिलेगा वहाँ पे, वहाँ पे बच्चों एक नाम होता है किडनी के अंदर से, एक सेल होती है, उसका नाम होता है जेजी सेल, उसका नाम होता है जेजी सेल, बहुत ध्यान से मिले भाई, उसका नाम होता है जेजी सेल, और जेजी सेल का नाम होता है जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं। मतलब जे का मतलब क्या हो गया, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर, जी का मतलब हो गया ग्लोमेरुलर, और जे का मतलब हो गया जेक्स्ट्रा सेल, बाकी कोशिकाएं होती हैं। तो जो जेजी सेल होता है बच्चों, जो जेजी कोशिकाएं होती है, उसी के द्वारा बच्चों ये रेनिन हार्मोन किडनी के द्वारा निकाला जाता है। और कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, हमने आपको बताया था एरिथ्रोपोएटिन नाम का भी हार्मोन किडनी से ही निकलता था। फिर हमने एक बात और आपको बताई थी कि वहां से एक नाम और होता है एल्डोस्टेरोन, जिसको हम लोग बोलते थे साल्ट को मेंटेन करने वाला हार्मोन, वो भी किडनी के ही पार्ट से, उसके किडनी के कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलता था। जब तक मैंने आपको भी बताया था, जब तक ये ना बोल दे कि जल के साल्ट के मेंटेनिंग के लिए, साल नमक के संतुलन के लिए किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है, तब जाके आप एल्डोस्टेरोन लगाएंगे। अगर आपको पूछ दिया जाए किडनी से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो RBC के प्रोडक्शन के लिए या RBC के फॉर्मेशन के लिए करता है, तो बच्चों उसका आंसर हो जाता था एरिथ्रोपोएटिन हो जाता था। और अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किडनी से जो जेजी सेल होती है, जो जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल होती है, वो बच्चों क्या निकालती है, तो बच्चों वो निकालेगी रेनिन। ये वर्ड ही आपको याद करके जाना है। हमने यहाँ पे आपको तीन चीज बताई, अगर क्वेश्चन आएगा किडनी से तो उसके हार्मोन्स को लेकर के आएगा, या उसके कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं उस पार्ट से लेकर के पूछेगा, इससे बाहर किडनी से नहीं पूछेगा। बाकी हमने आपको किडनी का स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, वहां पर भैया क्या होता था, कप लाइक स्ट्रक्चर, कटोरी जैसा बॉमेन कैप्सूल होता था। उसके बाद हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा था तो वहां पर बताया था PCD के बारे में, उसके बाद नीचे आया था हमने बताया था लूप ऑफ हेनले के बारे में, उसके बाद हमने बताया था DCT के बारे में, उसके बाद हमने बताया था लास्ट में जो यूरिन वर्ड का या मूत्र वर्ड का जब हम इस्तेमाल करते थे, वो जहां पे करते थे बच्चों, उसका नाम होता था संग्रहित नलिका या संग्राहक नलिका, और उसी को हम लोग बोलते थे कलेक्टिंग डक्ट, जहां पर लास्ट टाइम पर सबसे लास्ट में यूरिन बनता है, मूत्र बनता था, या मूत्र वर्ड का हम इस्तेमाल करते थे। क्लियर है, क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज क्लियर। शॉर्ट में बच्चों कभी कभी इसी को लिखते हैं जेजी सेल, बहुत ध्यान समझ लीजिए भाई, इसी को शॉर्ट में कभी कभी लिख दिया जाता है जेजी सेल बोला जाता है, जेजी सेल। ठीक भाई, तो जेजी सेल आप इसको याद करके जाए, तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे सारे पॉइंट को, तो कॉर्टेक्स भी किडनी का पार्ट है, मेडुला भी किडनी का पार्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो पोडोसाइट सेल होती है कहाँ पाई जाती है, जो पोडोसाइट सेल होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो बच्चों कहाँ पाई जाती है, किडनी के अंदर पाई जाती है। मतलब इसको भी आप याद कर लें कि जो पोडोसाइट सेल होती है बच्चों वो हमेशा किडनी के अंदर, वृक्क के अंदर पाई जाती है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब चारों के चार पॉइंट आपको याद करना है, चारों के चार पॉइंट, कॉर्टेक्स, मेडुला, पोडोसाइट, दीज आर द पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के ही पार्ट है, किडनी के अंदर ही पाए जाते हैं। पोडोसाइट भी किडनी के अंदर पाई जाती है, कॉर्टेक्स भी किडनी के अंदर पाया जाता है, मेडुला भी किडनी के अंदर पाया जाता है, और जो रेनिन होता है बच्चों ये जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं के द्वारा निकलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इतनी बात आप समझ के चलिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, चलिए इतनी बात समझ में आती होगी सभी बच्चों को। बच्चों
आगे चलते भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखते क्या है। ठीक है बच्चों, अगला, खरगोश में यूरिनरी ब्लैडर किस में खुलता है? लिखा है खरगोश में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको मतलब क्या बोलते थे, उसको हम लोग इंग्लिश में लिखे थोड़ा सा, इसको बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है भाई, इसी बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, मूत्राशय, मूत्र का आशियाना। क्या बोलेंगे भाई, जहां पर मूत्र आदि इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं मूत्राशय, मूत्र प्लस आशय, आशय मतलब आशियाना, ऐसे याद कर सकते हो आप सिंपली। देखो भाई बायोलॉजी जो होता है ये कॉमेडियन वर्ड है, अगर आप अपने तरीके से सोचोगे ना तो बिल्कुल सारी चीज बिल्कुल आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी वे में है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप आराम से करिए, आराम से पढ़ाइए, समझिए, बिल्कुल आसान है। लिखा है खरगोश में यूरिनरी ब्लैडर किस में खुलता है? बच्चों आपको याद होगा कल ही मैंने इसके बारे में बताया था आपको, हमने आपको बच्चों ऐसे बताया था, ऐसे हमने बनाया था भाई किडनी, हमने ऐसे करके आपको किडनी का स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे करके, और हमने बच्चों ऐसे बनाया था कि बच्चों कहाँ जाके खुलता था, ये ऐसे करके बच्चों कहाँ खुलता था, यूरिनरी ब्लैडर में खुलता था, ये इसको बोलते थे यूरिनरी ब्लैडर, इसको बोलते थे बच्चों यूरेटर, इसको बोलते हैं यूरेटर, और यूरेटर को बच्चों हिंदी बोलते हैं मूत्रवाहिनी, इसको बोलेंगे मूत्रवाहिनी है, इसको बोलेंगे मूत्राशय। अभी बच्चों कहाँ जाके खुलेगा, पेनिस में, कहाँ खुलेगा भाई, ऐसे आपको पता है ऐसे पेनिस होता है, ये पेनिस होता है, ऐसे करके होता क्या है, इसी के अंदर से बच्चों जो यूरिन आता है वो बच्चों क्या होता है उसी को बोलते हैं बच्चों क्या, यूरेथ्रा, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, यूरेथ्रा। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन इसे बोलते हैं यूरेथ्रा, मतलब इसे बोलेंगे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा बच्चों समझे, जब यूरिनरी ब्लैडर से जब मूत्र चलेगा बच्चों किसके थ्रू जाएगा बच्चों, यूरेथ्रा के थ्रू जाएगा, ये बात समझ लीजिए, इसी यूरेथ्रा के थ्रू मूत्र बाहर जाता है, इसी यूरेथ्रा के थ्रू, तो समझ लीजिए ये मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी बच्चों किस में खुलेगी, मूत्राशय में, मूत्राशय बच्चों किस में खुलेगा, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से मूत्र बाहर चला जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए एक एक बात यहाँ पे, ठीक भाई, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको क्वेश्चन का आंसर भाई क्या देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, यूरेथ्रा हो जाएगा, सेकेंड वाला आंसर क्लियर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक भाई, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन इज करेक्ट। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों हेल्ले का लूप पाया जाता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट, पहले क्या हेल्ले का लूप पाया था भाई, कहां, पिरामिड में, नेफ्रिडिया में हेल्ले का लूप, ठीक है, हेल्ले का लूप पाया जाता है, हेल्ले का लूप पाया जाता है, ठीक भाई। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि जो हेल्ले का लूप बच्चों वो तो क्लियर है कि कहाँ पाया था बच्चों, नेफ्रॉन में, कहाँ पाया जाएगा, नेफ्रॉन, मतलब इसे क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलेंगे। लेकिन बच्चों अगर आप ऑप्शन में देखेंगे थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है कि हेल्ले का लूप, यही क्वेश्चन का यहाँ यहाँ पे लिख दिया गया है बच्चों, यहाँ पे आप ना लिख, इसको काट करके बच्चों आप लिख दीजिए ऑल ऑफ द एबव, या लिख देंगे सभी, आंसर आप लिख देंगे सभी, ये भी बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा नेफ्रॉन। अब बच्चों आपको पता है नेफ्रॉन किसका पार्ट होता है बच्चों, ये किडनी का पार्ट है भाई, किसका पार्ट होता है बच्चों, ये किडनी का पार्ट होता है बच्चों, इसका भाई वृक्क का पार्ट होता है, किडनी का पार्ट होता है, वृक्क का पार्ट होता है, ये बात समझ के चलिएगा, ठीक भाई। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वृक्क की क्या होती है बच्चों, उसका नाम क्या होता है, नेफ्रॉन। और हेल्ले का लूप बच्चों कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन के अंदर, ये बात आप समझते चलिएगा भाई, वेरी गुड। अब मैं अभी आपको जो बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला, ध्यान दो भाई, अगर मैं बच्चों ऐसे कर दूं, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझे भाई, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ऐसे हमने बना दिया और ऐसे करके हमने बना दिया, ऐसे करके हमने बनाया, फिर हमने ऐसे कर दिया, थोड़ा सा पतला कर दिया, थोड़ा सा पतला कर दिया, थोड़ा सा पतला, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से ऐसे करके, इसके बाद फिर हमने ऐसे कर दिया, फिर हमने ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया बच्चों, हमने ऐसे कर दिया, फिर से इसको लास्ट में चल के ऐसे कर दिया, और यहाँ भी बच्चों ऐसे कर दिया, बात समझो बिल्कुल एक ही चीज बच्चों, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना है ये नेफ्रॉन है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं बच्चों ये किसका फिगर बनाया गया बच्चों, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, नेफ्रॉन बोला जाता है, नेफ्रॉन। दूसरी बात अगर बच्चों मैं आपको बताऊं तो जो नेफ्रॉन होता है बच्चों उसके दो पार्ट है, मतलब अगर यहाँ पे मैं लिख दूं नेफ्रॉन के बच्चों कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट, तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला पार्ट बच्चों होगा जिसे बोलेंगे कॉर्टेक्स, जिसे बच्चों क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे, और दूसरा बच्चों जो होगा उसे क्या बोलेंगे, मेडुला, क्या बोलेंगे भाई, मेडुला बोला जाता है, मेडुला बोला जाता है,
मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर करूं, ऐसे करके ऐसे मैं कर दूं, इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर दूं, आधे पार्ट में डिवाइड कर दूं बच्चों, आधे भाग में, तो बच्चों जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला बच्चों, जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चों, इसे क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोल देंगे, उसे बोल देंगे कॉर्टेक्स। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, इसे बोलेंगे कॉर्टेक्स। और जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों, इसे क्या बोल देंगे, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसे बोल देंगे बच्चों मेडुला, इसे मेडुला बोल दिया जाएगा, मेडुला बोल दिया जाएगा, मेडुला बोल देंगे भाई, ठीक है, मेडुला। अब बात को समझिए बच्चों, इसका जो नाम होता है, ये जो कटोरा, जो कप लाइक है, इसे बच्चों बोलते हैं कप लाइक, कप के आकार के, इसमें आप चाय पीते हो, जिसको हम बोलते हैं कप के आकार का बच्चों, इसे बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इसे बोलेंगे बाउमेन संपुट, इसे बोलेंगे बाउमेन संपुट, बाउमेन संपुट। और जैसे थोड़ा सा आगे चलेंगे बच्चों, ये वाला जो पार्ट बनाया गया है, ये वाला जो पार्ट बच्चों, इसको बच्चों बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलेंगे बच्चों, पीसीटी, ध्यान समझ लीजिए भाई, ये वाला पार्ट हो गया पीसीटी। अब जब ये नीचे वाला, जो यहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक जो नीचे वाला पार्ट बच्चों, इसे बोलते हैं हेनले का लूप, इसे बोलेंगे हेनले का लूप, हेनले का लूप, हेनले का लूप। बच्चों जो लड़कियां बाल में जो हेयर पिन लगाती हैं, आपने देखा होगा काले काले आते हैं, जो लड़कियां लगाती हैं उनको पता होगा, लड़कों को तो नहीं पता होगा, हो सकता है लड़कों को भी पता हो, क्योंकि बहुत सारे लड़के भी उसको खरीदने का काम करते हैं, ठीक है, तो सकता है लड़कों को भी थोड़ा बहुत पता हो। तो जो वो पिन होता है ना बच्चों, वो हेयर पिन लाइक होता है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, हेयर पिन लाइक। तो बच्चों उसी के नाम पे रखा गया हेले लूप, अगर आप देखो तो बिल्कुल देखो, हेयर पिन लाइक हमने बनाया इसको, हेयर पिन लाइक, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया हेले लूप, हेयर पिन लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर। फिर जैसे बच्चों आगे, ये वाला जो एरिया था बच्चों, इसे बोलते हैं डीसीटी, डीसीटी बच्चों, इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी को इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या इसे बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसको बोलेंगे बच्चों हेले का लूप। और बच्चों ये वाला जो पार्ट, इसे बोलते हैं बच्चों दूरस्थ कुंडलित नलिका, या इसे बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या हिंदी में बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब बच्चों लास्ट में जो आता है, ये वाला जो पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, इसको बच्चों बोलते हैं संग्रह नलिका, संग्रह नलिका बोला जाता है, संग्रह नलिका बोला जाता है बच्चों। और बच्चों इसको भैया क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, इसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट, जहां पर मूत्र पहली बार, मूत्र शब्द पहली बार इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, वो कलेक्टिंग डक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, यहीं पर मूत्र बनता है पहली बार। तो आप अगर ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा चित्र बच्चों किसका है, ये नेफ्रॉन का है। मतलब आप याद करो भाई, अगर मैं लिखूं बीसी, बीसी का मतलब होगा बाउमेन कैप्सूल, बीसी का मतलब कुछ और नहीं होता, बीसी का मतलब होता है बाउमेन कैप्सूल। उसके बाद बच्चों पीसीटी, पीसीटी, उसके बाद बच्चों क्या होगा डीसीटी, डीसीटी। ये तीनों पार्ट जो होते हैं बच्चों, बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, और बच्चों एक नाम और लूप ऑफ हेनले, एलएच, लूप ऑफ हेनले। ये बच्चों इतने पार्ट जो है बच्चों, ये नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं, किडनी के नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। लेकिन याद करो, जो संग्रह नलिका होता बच्चों, ये कभी भी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, ये कभी भी नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, ये हमेशा नेफ्रॉन से बाहर होता है। अगर इतनी बात आप समझ जाएंगे तो नेफ्रॉन से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, नेफ्रॉन का भाग बताइए, नेफ्रॉन किसका पार्ट है, नेफ्रॉन कहां पाया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज मैंने आपको यहां पे क्लियर बता दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, एक ही चीज आपके सामने रहेगी, ठीक है। तो देख रहे भाई, नेफ्रॉन का पहला पार्ट बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले। ऊपर अभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कॉर्टेक्स के भाग बताइए। तो बच्चों कॉर्टेक्स में आ जाता है बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी। मतलब अगर मैं यहां लिखूं बच्चों, हमें कॉर्टेक्स का भाग बताइए, कॉर्टेक्स का, तो बच्चों आ जाएगा बाउमेन कैप्सूल, उसके बाद बच्चों आ जाएगा पीसीटी, उसके बाद बच्चों आ जाएगा डीसीटी। ये इतने पार्ट बच्चों किसके होते हैं, कॉर्टेक्स के। इतने पार्ट हो गए कॉर्टेक्स के, मतलब कॉर्टेक्स ऊपर है, देखो ऊपर, तो डीसीटी ऊपर है, पीसीटी ये ऊपर है, बाउमेन कैप्सूल ऊपर है। उसके बाद बच्चों जो मेडुला है, मेडुला, मेडुला का पार्ट बच्चों क्या होता है, ये हो जाएगा लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। तो मेडुला का पार्ट बच्चों लूप ऑफ हेनले हो जाता है, और ये नीचे वाला कलेक्टिंग डक्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले आप ये बताइए, अगर आ रही तो फटाफट जल्दी से बच्चे बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए। जल्दी से बताएं भाई, फटाफट जल्दी से बताइए।
समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? चलिए अगर आ रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर नोट करना है तो भाई ये सच बताइए, वरना हम इसको हटाते हैं। ठीक है, ठीक भाई, ओके है तो बहुत बढ़िया है। ठीक भाई, चलिए ठीक है, सही बच्चों को समझ आ रहा है, केवल एक लोग बोल रहे हैं और बताइए। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है बच्चों, पीसीटी का, जिन बच्चे ने पूछा है पीसीटी का फुल फॉर्म बच्चों याद कर लें, इसको हिंदी बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। पीसीटी को बोलेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ क्यों बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल, सी का मतलब होता है कॉन्वोल्यूटेड, और टी का मतलब ट्यूब्यूल। देखो भाई ये गवर्नमेंट कैप्सूल बना है, इसके सबसे पास में है ना, ये सबसे पास में है, इसी वजह इसको बोलते हैं समीपस्थ। इसको बोलेंगे समीपस्थ क्योंकि ये कटोरे के बिल्कुल पास में है, तो इसे बोलेंगे समीपस्थ। ये बच्चों दूरस्थ बोलेंगे क्योंकि इस कटोरे से ये बहुत दूर में है, इसे बोल देंगे दूरस्थ, दूरस्थ बोल देंगे, ये तो बोलेंगे। तो बिल्कुल यहां से भैया 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, 10ों के 10ों क्वेश्चन आप याद करके जाइए, और एक एक बच्चा बिल्कुल सिलेक्ट होकर के ही जाएगा। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक एक एक बच्चा बिल्कुल डटा रहेगा, बिल्कुल एग्जाम तक, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता भाई। ठीक है, एग्जाम दे करके अगर बाई चांस किसी बच्चों का सिलेक्शन रुकता है तो जाहिर जाहिर सी बात वो साल भर वाले बिल्कुल क्लास जो चलती है उसमें जरूर पढ़े, जरूर पढ़े उसमें आकर के। और हमें उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे जो क्रैश के उसमें जुड़े हैं उनका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि सारे के सारे बच्चे बिल्कुल एक्सीलेंट है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन है, उनकी पढ़ाई काफी बेहतर चल रही है। ठीक है, तो चलिए भाई अब आगे हम थोड़ा इसको हटा रहे हैं और आंसर देखते भाई क्या है थोड़ा सा। तो बच्चों मैंने आंसर बता दिया नेफ्रॉन के बारे में, मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने नेफ्रॉन के भाग बताए, मैंने नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या चीजें और पाई जाती है उसके बारे में बताया, मूत्रवर्ण सबसे पहली बार इस्तेमाल कहाँ किया जाता उसके बारे में भी मैंने बताया। ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल बहुत डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया है, जो शायद आपने पहली बार पढ़ा हो उसके बारे में। ठीक भाई, तो चलिए इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है, तो आगे चलते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन लिखा है कि वयस्क खरगोश या स्तनधारी के वृक्ष होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए बच्चों वयस्क खरगोश या स्तनधारी के जो वृक्ष होते हैं बच्चों, वो बच्चों कैसे होते हैं, बिल्कुल मेटानेफ्रॉस होते हैं बच्चों, जरूर याद करते जाइए। कैसा होते हैं बच्चों? मेटानेफ्रॉस होते हैं, मेटानेफ्रॉस इनको बोला जाता है, मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है, मेटानेफ्रॉस किडनी पाई जाती है बच्चों। डी वाला आंसर हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, डी वाला आंसर। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों निम्न में से किस जंतु में एंटीनल ग्रंथि अथवा हरी ग्रंथि उसका दी अंग की तरह भात कार्य करती है? बच्चों यूपी कैटेट जब से हो रहा है, यूपी कैटेट जब से हो रहा है तब से यह क्वेश्चन किसी न किसी साल जरूर पूछा गया है, समझ लें। तो बच्चों यहां पे देख लें कैसे लिखेंगे हम इसको, ऐसे लिखेंगे एंटीनल, ऐसे लिखेंगे बच्चों एंटीनल ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड बोलेंगे बच्चों, या बच्चों इसी को बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड। जब एग्जाम में आएगा तो आपको ग्रीन ग्लैंड नहीं देगा, क्योंकि सभी बच्चों को याद होता है ग्रीन मतलब होता है हरा, तो ग्रीन ग्लैंड नहीं देगा वो जब भी देगा बच्चों यही वाला देगा एंटीनल ग्लैंड, यही वाला लिखेगा, केवल यही लिखेगा। एंटीनल ग्रंथि बच्चों किसमें पाई जाती है? दूसरी बात ये बच्चों जो होता है एंटीनल या ग्रीन ग्रंथि, इसका बच्चों जो काम होता है उत्सर्जन का काम होता है, इसका बच्चों काम होता है उत्सर्जन कराने में मदद करता है, एक्सक्रीशन कराने में मदद करता है। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो आपने कभी नाम सुना होगा बच्चों झींगा का, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं प्राण बोला जाता है, PRAWN प्राण, जिसको बच्चों क्या बोलेंगे झींगा बोलेंगे, इसी झींगा में पाया जाता है भाई, इसी झींगा में पाया जाता है। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? झींगा हो जाएगा। इसका आंसर आपके सामने झींगा लिखा है, क्या हो जाएगा भाई? झींगा हो जाएगा। ठीक है, झींगा हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक बात और यहां बता दूं बच्चों, तिलचट्टा में क्या होता है? जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में जो उत्सर्जी अंग होता है बच्चों, उत्सर्जी अंग आपको पता है बच्चों मैल्पीजियन, मैल्पीजियन
मैलपीजियन ट्यूब्यूल, मैलपीजियन ट्यूब्यूल बच्चों पाया जाता है। तो याद कर लें, मैलपीजियन नलिका, मैलपीजियन नलिका बच्चों कॉकरोच में पाया, सॉरी हाँ सॉरी तिल चट्टा में पाया जाता है, उसे बोले कॉकरोच। और बच्चों अगर मानव बात करें, मानव बच्चों क्या पाया जाएगा, वृक्क, मानव पाया जाएगा वृक्क, या क्या बोलेंगे बच्चों, किडनी। तो मानव या मनुष्य में उस सर्जरी में बच्चों किडनी या वृक्क हो जाता है, तिल चट्टा में बच्चों क्या हो जाएगा, मैलपीजियन नलिका या मैलपीजियन ट्यूब्यूल हो जाएगा। झींगा के बारे में मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा, आप याद कर लीजिए। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, नेक्स्ट। देखिए बच्चों, हेल्ले का लूप आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होता है, यहां लिखे बच्चों, हेल्ले का लूप जो आरोही भुजा होता है, आरोही भुजा वो किसके लिए पारगम्य होता है, किसके लिए पारगम्य होता है, बताए भाई आंसर। फटाफट सभी बच्चे बिल्कुल ईमानदारी के साथ आंसर बताएं। बताओ भाई क्या आंसर है, फटाफट। सी, बिल्कुल सही जवाब, सी बिल्कुल आंसर सही है, सोडियम आयन, सोडियम आयन। ठीक है, नवनीत शुक्ला ने सबसे बढ़िया जवाब दिया है, नवनीत शुक्ला ने, वेरी गुड, सोडियम आयन, सोडियम आयन इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये सारी की सारी चीजें मैंने क्लास में कराई हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी की सारी चीजें मैंने क्लास में कराई है भाई, सारी की सारी चीजें मैंने क्लास में करा रखी है। चलो बच्चों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखा बच्चों, वृक्क की दूरस्थ श्रावी नलिका में जल में पुनः अवशोषण नियंत्रित किया जाता है, ध्यान से देखिए भाई, लिखा है वृक्क की दूरस्थ श्रावी नलिका, किडनी की डीसीटी में दूरस्थ श्रावित नलिका में, वृक्क की दूरस्थ श्रावी नलिका में जल में पुनः अवशोषण नियंत्रित किया जाता है, बताओ भाई क्या होगा। तो बच्चों आपको याद है एडीएच क्या हो जाएगा भाई, एडीएच, एडीएच को बच्चों बोलते हैं मूत्र रोधी हार्मोन, क्या बोलेंगे बच्चों, मूत्र रोधी, मूत्र रोधी हार्मोन बोला जाता है, इसको बोलेंगे एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, क्या बोलेंगे बच्चों, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन बोला जाता है, जो किडनी के दूरस्थ जिसको बोलते हैं डीसीटी, दूरस्थ बच्चों क्या बोलेंगे, डीसीटी बुलाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बुलाता है, इसी रीजन बच्चों एंटी डायुरेटिक हार्मोन काम करता है, एडीएच अपना काम करता है। ठीक भाई, एडीएच अपना काम करता है। ये क्वेश्चन जरूर याद करके जाएं, ये क्वेश्चन इस अगर ये पेपर बनेगा, एनसीईआरटी से पेपर अगर बना तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जमाझम बिल्कुल पूछे जाएंगे, बिल्कुल और बिल्कुल रेडी होकर के जाइए भाई, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलिए ठीक भाई, सभी बच्चों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले ये बताओ, हर बच्चा बिल्कुल एक एक बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए भाई। तो हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे जरूर बताएंगे भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार जरा सभी लोग फटाफट बताएं, जल्दी से बताइए भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। चलो भैया आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। डोली यादव, ठीक है भाई, डोली यादव, ठीक है, हरिओम, अवनीश, ठीक है, पुरुषोत्तम, ठीक है, यस, ठीक,
ठीक है, अभी सिंह, आजाद, गौतम, ठीक है, अरविंद, ठीक है, सबको आना चाहिए भाई, क्योंकि आप बिल्कुल बढ़िया, आपकी पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए भाई। हाँ बच्चों सब मिलेगा, पीडीएफ ओडीएफ सब मिलेगा, बिल्कुल सब मिलेगा, परेशान ना हो भाई, पीडीएफ ओडीएफ सब आपको मिलेगा, बिल्कुल परेशान ना होइए, केवल आप पढ़ाई करिए बस, पीडीएफ हमारी जिम्मेदारी, पीडीएफ हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और बच्चों हाँ हो सकता है कुछ बच्चों ने ये सब चीजें नहीं देख रहे, नए नए देख रहे हो, क्योंकि भाई कंपटीशन का दौर चल रहा है, 2020 में जो पेपर बना बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस बना, बच्चों का दिमाग बिल्कुल चकरा गया, हिल गया, तो हो सकता है 2021 में भी वैसा हो जाए, तो आप क्या करोगे, तो हलवा हलवा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाओगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी जब आप अंदर जाओगे तब भी वहां पे आपका जलवा रहेगा, और जब आप कुछ पढ़ के नहीं जाओगे यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रोफेसर आके बोल के चला जाएगा, तो आप सोचोगे क्या पढ़ा के चला गया। तो बिल्कुल मैं सोचता हूँ हर लेवल से क्वेश्चन आप करके जाइए एक एक तरीके से। इस बार जो आपका संडे को टेस्ट है बिल्कुल पेपर बहुत ही बेहतरीन लेवल का हमने बनाया है, इस संडे को जो पेपर है बायो का पेपर पूरा मार्कोलॉजी अच्छे तरह के पढ़ के आइए, पूरा एनिमल किंगडम पढ़ के आइए, क्योंकि पेपर इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके का है, अलग तरीके का, बिल्कुल आपको नए बिल्कुल पैटर्न पे बिल्कुल आधारित पेपर मिलेगा, ठीक है भाई। ठीक है मिलेगा मिलेगा, आंसर भी मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए देखा बच्चों, कसौरियों के मूत्र का रंग पीला होता है क्योंकि इनमें पाया जाता है बच्चों, तो जो पीला होता है बच्चों वो क्या हो जाएगा, यूरोक्रोम, क्या हो जाएगा बच्चों, यूरोक्रोम होता है, क्या होगा बच्चों, यूरोक्रोम होता है, ये बात समझ लें, क्या पाया जाएगा बच्चों, यूरोक्रोम पाया जाएगा यहाँ पे बच्चों, क्या हो जाएगा, यूरोक्रोम की वजह से जो मूत्र होता है, जो यूरिन होता है, उसका रंग येलो कलर का दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है भाई, ठीक है, पीले रंग का दिखाई देता है, तो आंसर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा यूरोक्रोम, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो जरा, यहाँ लिखा है मूत्र का रंग पीला, तो बहुत सारे इसका आंसर बच्चों जैसे मूत्र देखेंगे वहां पे लगा देंगे यूरिक अम्ल, तो यूरिक अम्ल नहीं होगा बच्चों कभी भी, वो क्या हो जाएगा बच्चों, यूरोक्रोम। ये भी आपके यूपी कैडेट के सवाल, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सेकेंड आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट। चलो बच्चों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, यकृति में कौन सा चक्र यूरिया के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। अभी भी सवाल काफी अच्छा है कि यकृति में कौन सा चक्र यूरिया के बनाने में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ज्यादा मददगार होता है, मतलब यूरिया बनती कैसे, इसके बारे में। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा देख ले जरा सा, जैसे बच्चों अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं और ऐसे थोड़ा सा बना दूं, ये मान लीजिए हमने क्या बना दिया, ये हमने लीवर बना दिया, हमने क्या बना दिया, ये लीवर बना दिया, और ये लीवर का स्ट्रक्चर है, तो आप देखो जरा ध्यान से बच्चों यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे बच्चों CO2 प्लस बच्चों किसको लेते थे, अमोनिया को लेते थे, अमोनिया को जब लेते थे बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या बन जाता था, NH2CO NH2 बन जाता था, NH2CO NH2 बनता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, यूरिया, यूरिया बोला जाता है बच्चों। इस यूरिया को बनने के लिए ये लीवर जो होता है बच्चों वो रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि किसको बदल करके, मतलब कौन सा ऐसा अंग है जो यूरिया बनाने के लिए किसी दो चीज का इस्तेमाल करता है। तो बच्चों याद करो, जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, वो यूरिया बनाने के लिए दो चीज का इस्तेमाल करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का, क्योंकि अगर आप देखो तो ये दोनों के दोनों जहरीले पदार्थ हैं, ये मतलब टॉक्सिक होते हैं, ये बिल्कुल विषैले होते हैं, अगर ये शरीर के अंदर ज्यादा देर तक रुक गए तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, मौत हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है। तो क्या करता है लीवर, लीवर क्या करता है बच्चों, CO2 और अमोनिया को तुरंत कन्वर्ट करता है यूरिया में। और आपको बता बच्चों, जो केमिकल फैक्ट्री होती है, जो रासायनिक फैक्ट्री बोला जाता है, जो हमारे शरीर में, मतलब जिसको हम रासायनिक फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, उसको बच्चों हम लीवर बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे शरीर में केमिकल फैक्ट्री या रासायनिक फैक्ट्री के नाम से किस अंग को जाना जाता है, तो बच्चों लीवर को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल को बदलने का काम करती है, बहुत सारे जो टॉक्सिक पदार्थ हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, उनको बदलने का काम करती है, जैसे आपके सामने अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रखा गया है। दूसरी बात अगर हम आपको बताएं बच्चों, ये जो यूरिया बना है इसके बनने को बच्चों क्या बोलेंगे, इसको बनने को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलेंगे भाई, इसी को बोलेंगे ऑर्निथिन चक्र बोला जाता है, या बच्चों इसी का दूसरा नाम होता है क्रैब्स, क्रैब्स
हैंसलीट, क्रैब्स हैंसलीट चक्र बोला जाता है, क्रैब्स हैंसलीट चक्र बोला जाता है। ये दो नाम आप याद करके जाएंगे तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। लिखा है ऑर्निथिन चक्र, इसी को बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे ऑर्निथिन चक्र या ऑर्निथिन साइकिल, इसी को यूरिया साइकिल भी बोलते हैं भाई, इसी को भैया क्या बोल देंगे, यूरिया चक्र या यूरिया साइकिल भी बोला जाता है। यूरिया साइकिल बोलो, यूरिया चक्र बोलो। तो देखो भाई, मैंने यहाँ पे कम से कम 10 क्वेश्चन आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन, रासायनिक फैक्ट्री किसको बोलेंगे, तो लीवर को बोलेंगे। दूसरी बात बच्चों, जब यूरिया बनाया जाता है तो किस विषैले पदार्थ को निकाला जाता है बच्चों, विषैला पदार्थ बच्चों CO2 और अमोनिया हो गया, इसी विषैले पदार्थ को यूरिया में बदला जाता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि बच्चों ये जो साइकिल है बच्चों, इसका क्या नाम है, यूरिया चक्र, या इसी का दूसरा बच्चों नाम क्या होता है, ऑर्निथिन चक्र, या इसी का तीसरा नाम बच्चों क्या होता है, क्रैब्स हैंसलीट चक्र। ये सारे के सारे नाम आप याद करके जाइए, ठीक भाई। ऑर्निथिन चक्र बोला जाता है, ऑर्निथिन साइकिल बोला जाता है, क्रैब्स हैंसलीट साइकिल बोला जाता है, यूरिया साइकिल बोला जाता है। चलो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, उसे भैया क्या बोलेंगे, ऑर्निथिन चक्र बोलेंगे। देखो भाई यहाँ केवल क्रैब चक्र लिखा है, तो क्रैब चक्र नहीं होगा, समझ ले ध्यान से, जब तक वो नहीं बोल देगा क्रैब्स हैंसलीट चक्र तब तक आंसर नहीं लगाएंगे, समझ लें। तो ये नहीं होगा बच्चों, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर बच्चों डी वाला सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलो बच्चों आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए कॉलम को मैच कराना है। देखो भाई यहाँ से कितने क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। लिखा है यहाँ पे, लिखा बच्चों सही कॉलम मैच करना है, कौन सा इसमें से करेक्ट है, सही ऑप्शन मैच करके बताइए हमें। तो फटाफट सभी बच्चे जल्दी से मैच कर लें और हमें बताएं भाई आंसर क्या होगा। देखो भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो लिखा है, देखिए बच्चों पहला नाम है यूरेनिया, थोड़ा सा मैं यहाँ इसको कन्वर्ट कर दूं इंग्लिश में, इसको बोलेंगे बच्चों क्या, यूरेनिया, यूरेनिया बच्चा। दूसरा नाम क्या है, हीमेचूरिया, इसको बोलेंगे हीमेचूरिया, ये नाम बोला जाएगा। तीसरा बच्चों नाम क्या है, कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया। उसके बाद बच्चों क्या लिखा है, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। उसके बाद जो लिखा है प्रोटीन्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया। बच्चों देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ लिखा है। तो भैया पहला जो लिखा है यूरेमिया, बच्चों यूरेमिया का मतलब होता है कि मूत्र में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाए। मूत्र में यूरिया की मात्रा कैसे ज्यादा होगी, जब आपके रक्त में यूरिया की मात्रा ज्यादा होगी, तो जब मूत्र में ज्यादा हो जाएगी यूरिया की मात्रा बच्चों, यूरिया की मात्रा, तो उसे भैया क्या बोल देंगे, यूरेमिया बोल देंगे। तो मतलब पहले का आंसर बच्चों क्या हो गया, पहले का आपका हो गया 5वां, मूत्र में यूरिया की उपस्थिति भैया क्या बोल देंगे, ज्यादा हो जाए, ज्यादा, तो बच्चों से क्या बोल देंगे, यूरेमिया। दूसरा बच्चों देखो क्या लिखा है, हीमेचूरिया, हीमेचूरिया बच्चों इसका मतलब हो जाता है कि यूरिन में मूत्र में RBC की मात्रा हो जाए, मतलब ब्लड ब्लड जाने लगे, जब मूत्र में ब्लड जाने लगे, जब यूरिन के साथ RBC की मात्रा जाने लगे, रक्त की मात्रा जाने लगे, तो बच्चों से हीमेचूरिया बोल देंगे। यहाँ लिखा है हीमेचूरिया, मतलब मूत्र में रक्त कणों की उपस्थिति, मतलब बी का आंसर बच्चों ये हो जाएगा तीसरा वाला, मूत्र में रक्त कणों की उपस्थिति का मतलब, रक्त कण का मतलब होता है जो आरबीसी होता है, वही तो होता है। लगड़ी का तीसरा कीटोन्यूरिया, लिखा बच्चों कीटोन्यूरिया, मूत्र में कीटोन की उपस्थिति, मतलब ये कीटोन, जब मूत्र में कीटोन की उपस्थिति हो जाती है बच्चों, कीटोन बॉडी की उपस्थिति हो जाती है, ये पता चल जाता है कि किसी को डायबिटीज हो गया है, मधुमेह हो गया है, उसके शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई है, मतलब उसके शरीर में जो बीटा सेल होता था वो इंसुलिन निकाल ही नहीं पा रहा है। तो समझ ले भाई यहाँ पे कीटोन बॉडी जब बन जाएगी उसे बोलेंगे कीटोन्यूरिया। फिर बच्चों यहाँ पे लिखा है डी वाला ग्लाइकोसूरिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा निकल जाए, जब मूत्र में बच्चों ग्लूकोज की मात्रा आने लगे उसे बोल देंगे ग्लाइकोसूरिया। सारे के सारे जबरदस्त टॉपिक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल तैयार होकर के जाइए। फिर आगे जो लिखा प्रोटीन यूरिया, इसमें कुछ कहना नहीं है कि जब यूरिन से प्रोटीन की मात्रा ज्यादा मात्रा में जाने लगे तो प्रोटीन यूरिया। तो बच्चों आप देखो ध्यान से आंसर भैया क्या हो गया, पहला वाला आंसर करेक्ट हो गया।
फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। इस बार जो आपका संडे को जो टेस्ट होगा यूपी कैडेट का, उसमें बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे गए हैं, तो बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल थोड़ा सा लेवल को बढ़ा लीजिए। चैप्टर जितने भी चैप्टर है सारे चैप्टर के बाद पढ़ डालिए पूरा का पूरा। ऐसे क्वेश्चन को कराने का बस केवल एक ही मतलब होता है कि आप तक सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो पहुंच जाएं। ऐसे क्वेश्चन को कराने का मतलब ये नहीं कि आपको डराने का होता है, ये कराने का मतलब ये होता है कि आपके पास पांच क्वेश्चन पहुंचे, पांच क्वेश्चन का आंसर पहुंचे। देख ले भाई, पांचों क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा, तो जब ये कंटेंट आपके पास होगा तो आप कहीं भी मुस्तैद होकर के लड़ाई कर सकते हैं। पेपर कैसा भी आएगा कोई डरने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कौन सा युग्म रक्त से हटा दिया जाता है? देख भाई यहाँ पूछा गया है कौन सा अपशिष्ट मतलब वेस्टफुल जो मटेरियल होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है मतलब बेकार पदार्थ होता है, जो जहरीला पदार्थ होता है, क्या उसको आप अपने शरीर में रखेंगे? नहीं, आप अगर रखना भी चाहेंगे तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भगवान ने आपके शरीर के अंदर बहुत सारे इंजन लगा रखे हैं, मशीन लगा रखी है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बच्चों उसमें जो आवर्ती चक्र चलता है उसमें किसको हटाया जाता है? तो बच्चों उसमें हटाया जाता है बच्चों CO2 और यूरिया, CO2 और अमोनिया को। तो अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया कि CO2 और अमोनिया को हटाने के लिए बच्चों हमें ऑर्निथिन चक्र, हमें यूरिया साइकिल, हमें क्रैब्स हैचलेट चक्र चलाना पड़ता है। जब ये चलेगा तो भैया क्या करेगा, जो अपशिष्ट पदार्थ है बच्चों, जो CO2 और अमोनिया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है, इसको बच्चों तुरंत बदल दिया जाएगा किसमें, यूरिया में। तो सारा का सारा ब्लड फिल्टर हो जाएगा, सारे का सारा ब्लड फिल्टर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो बिल्कुल आराम से करिए, जितनी बात मैं बोल रहा हूं अगर आपके दिमाग में अच्छे से बातें जा रही होंगी, अगर कॉन्स्टेंट माइंड अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको यूपी कैडेट एग्जाम में जब आप बोर्ड हॉल जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको वहां पता चलेगा। तो पढ़ाई में सबसे जरूरी कंसंट्रेशन आपके लिए, अगर आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना है तो जो क्वेश्चन आपको वहां नहीं आएगा एग्जाम हॉल में, वो हो सकता है कि तुरंत हिट करे हमारी बात आपके दिमाग में और तुरंत आपका क्वेश्चन हो जाएगा वहां। और जो बच्चे बिल्कुल मोबाइल लेके केवल बैठे होंगे, बगल देख रहे होंगे, इधर देख रहे होंगे, उधर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे, तो भैया पॉसिबल नहीं है कि एक बार में आप चार काम कर सको। एक बार में आप एक ही काम कर सकते हो, या तो पढ़ सकते हो, या तो खेल सकते हो, या तो पूछ सकते हो। तो जिस टाइम आप पढ़िए उस समय केवल आप केवल पढ़ाई करिए बस। ठीक भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हो नेक्स्ट क्या है। देखा बच्चों ऑर्निथिन चक्र का अंतिम उत्पाद क्या होता है बच्चों, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। यहाँ पूछा गया है कि जो ऑर्निथिन चक्र होता है उसका अंतिम उत्पाद बच्चों क्या होता है, तो उसका अंतिम उत्पाद आपको पता है क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। क्योंकि तो हमें मेनली बनाना क्या होता है बच्चों, हमें यूरिया ही बनाना होता है। हमारा टारगेट होता है कि यूरिया को किसी तरीके से शरीर से बाहर निकाला जाए। हमारा टारगेट ये होता है कि यूरिया को हम NH2CO को शरीर से हम बाहर निकालें। ठीक है, तो पहला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला लिखा है यहाँ पे हेनले का लूप। बच्चों मुख्यतः इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जो हेनले लूप होता था, जो हेनले लूप होता बच्चों इसका काम क्या होता था, इसका बस एक ही काम होता था, जल के संरक्षण में मदद करना, मतलब वाटर के कंजर्वेशन में मदद करना। कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा पानी, जितना आप पानी पी रहे हो, जितना आप पानी पी रहे हो 4 लीटर पानी पी रहे हो, तो 4 लीटर पानी आप यूरिन के फॉर्म में निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरी की पूरी बॉडी बिल्कुल सूख करके बिल्कुल छुहारे की जैसी हो जाए। तो उसी छुहारे से होने से बचने के लिए हमारे शरीर में जो हेनले लूप है, जो नेफ्रॉन का पार्ट होता था, जो किडनी का पार्ट होता था, उसका काम ही होता बच्चों ज्यादा पानी कहीं ऐसा ना हो निकल के चला जाए, उसी को रोकने के लिए भगवान ने क्या कर दिया, वहां पर एक ऐसा पाइप लगा दिया जो सारा का सारा पानी तो जाने नहीं देता, कुछ पानी को जाने देता है, कुछ पानी को रोक लेता है, और वही पानी हमारे लिए क्या करता भैया, काम करता है। हमारे वही वही पानी हमारे एक एक सेल में जाकर के हमें क्या करता भैया, रिफ्रेशमेंट देता है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है बच्चों क्या करता है, जल का संरक्षण मतलब इसे बोलेंगे वाटर का कंजर्वेशन करता है, वाटर का कंजर्वेशन करता है। कंजर्वेशन मतलब क्या करता है, उसको रोकने का या संरक्षण करने का काम करता है, उसको स्थिर बनाए रखने का काम करता है। यहाँ पे पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, जल का संरक्षण करने का काम करता था, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको भी बताया था कि इसके पहले वाला जो भाग होता था जिसको हम लोग बोलते थे समीपस्थ कुंडलित नलिका, या उसको हम बोलते थे पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटो ट्यूब्यूल। और बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया था वहां पे लगभग 70-80% ये वर्ड ही मैंने आपको बोला था, लगभग 70-80% चीजों का एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण वहीं पर हो जाता था। सोच के देखिए आप अगर एक गिलास पानी पीते हैं तो उसमें से 70-80% वो पहले ही एब्जॉर्ब हो जाता था, केवल 20% चीजें वहां से छन करके बाहर जाती हैं, ओनली 20%, बाकी सारी की सारी जो अच्छी चीजें होती वो हमारे एक एक सेल को पहुंचा दिया जाता था, ठीक भाई। तो यहाँ पे पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई, समझ ले। यहाँ लिखा है भाई मूत्र का निर्माण, मूत्र का निष्कासन, गुदिर का छनना, ये सारे के सारे फंक्शन नहीं होंगे, उसका मेन फंक्शन जल का संरक्षण करना होता है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। लिखा बच्चों यहाँ पे ऑर्निथिक चक्र के, पहली बात आप यहाँ पे समझ लें कि जो ऑर्निथिक चक्र होता है बच्चों कैसा होता है, ये साइक्लिक होता है। कैसा होता है, साइक्लिक मतलब ये कैसा प्रोसेस बच्चों, चक्रीय प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस बच्चों, चक्रीय मतलब हमेशा ये ऐसे चलता है, ऐसे चलेगा, ऐसे चक्र में कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, हमेशा एक प्रोडक्ट चलेगा दूसरे में, दूसरा पहुंचेगा तीसरे में, तीसरा फिर से पहले में, पहला दूसरे में, दूसरा तीसरे में, तीसरा फिर पहले में। ये प्रोसेस चक्रीय प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब इन्हीं तीनों प्रोडक्ट में बार बार ये अपने आप में कन्वर्ट करेंगे, बार बार अपने आप में बनेंगे, बार बार कन्वर्ट करेंगे, बार बार बनेंगे, ये चक्रीय प्रोसेस है। पहला क्वेश्चन आपको याद करना है। दूसरी बात याद करनी है कि आखिर में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होता है, कौन सा ऐसा पदार्थ होता है, कौन सा ऐसा उत्पाद होता है जो बार बार ये अपने आप को कन्वर्ट करता है और ऑर्निथिक साइकिल चलाने में मदद करता है, क्रैंक साइकिल चक्र चलाने में मदद करता है। तो बहुत ध्यान समझ ले बच्चों, पहला नाम होता है ऑर्निथिन, दूसरा सिट्रुलिन, तीसरा आर्जिनिन। देखो भाई कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है केवल दो में, ऑर्निथिन और आर्जिनिन, वर्ड छोटा है बट मतलब अलग है। लिखा ऑर्निथिन और यहाँ के लिखा भाई आर्जिनिन, ये दोनों के जो प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे प्रोडक्ट यूरिया चक्र में और या ऑर्निथिन चक्र में बनते हैं। पहले बनेगा ऑर्निथिन, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, पहले बनेगा बच्चों ऑर्निथिन, ऑर्निथिन बनेगा यहाँ पे, उसके बाद किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, दूसरे पे, दूसरे में कन्वर्ट होगा बच्चों किस में, सिट्रुलिन में, सिट्रुलिन में, और तीसरा बच्चों किस में कन्वर्ट होगा, ये बनेगा आर्जिनिन में, आर्जिनिन में, फिर से यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्निथिन में, फिर से किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, सिट्रुलिन में, किस किस से कन्वर्ट होगा बच्चों, आर्जिनिन में। ये साइकिल लगातार चलती रहती है, ये चक्र लगातार चलता रहता है, क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन आपके शरीर में लगातार होता रहता है, यूरिन का फॉर्मेशन, लीवर कभी बैठता नहीं है, किडनी कभी बैठती नहीं, वो लगातार अपना काम करती रहती है, फंक्शन लगातार उनके चलते रहते हैं। आपने पानी पिया काम चालू तुरंत, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर। ये बात स्पेशली समझ चल रहा है, ये लगातार चक्रीय प्रक्रम में चलता है, चक्रीय प्रोसेस में चलता है। चलो बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखा बच्चों, मूत्र का आयतन किसके द्वारा नियमित किया जाता है, यहां लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज कंट्रोल्ड बाई, यहां लिखा है मूत्र का आयतन किसके द्वारा नियमित किया जाता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। लिखा है भाई यहाँ पे कि मूत्र का आयतन किसके द्वारा नियमित किया जाता है बच्चों, तो नाम जरूर याद करके जाए बच्चों, एल्डोस्टेरोन तथा ADH, एल्डोस्टेरोन तथा ADH, इसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पूरा डिटेल्स में, तो याद कर लें एल्डोस्टेरोन एंड ADH जरूर याद करके जाइए। और ये दोनों के दोनों हार्मोन बच्चों किडनी के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, सॉरी ये वाला तो निकलता किडनी से, ये वाला निकलता बच्चों कहां से, ये निकलता पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से, ये निकलेगा पीयूष ग्रंथि से, ये निकलेगा किडनी के कॉर्टेक्स वाले भाग से,
और दोनों का काम बच्चों क्या होता है, लिखा है मूत्र का आयतन कंट्रोल करने में ये मदद करता है। ये बात जरूर समझ लें, एडीएस निकलेगा पीयूष ग्रंथि से जो ब्रेन में जो मस्तिष्क में है, और ये निकलेगा किडनी के पार से जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे एक चीज और देख लें, यहाँ लिखा है एल्डोस्टेरोन, एडीएस और टेस्टोस्टेरोन। बच्चों जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये मेल हार्मोन होता है, पुरुष वाला हार्मोन। तो गलती से जिन जो बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन में आ रहे हैं, ये टेस्टोस्टेरोन है, इसको बोलते हैं मेल हार्मोन, पुरुष वाला हार्मोन। चलो भाई आगे चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। देखिए बच्चों, कौन सा पदार्थ मूत्र में अंतिम रूप से उत्सर्जित होता है, यानी क्या है, कौन सा पदार्थ मूत्र में अंतिम रूप से निकाला जाता है, अमीनो अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, यूरिया हो जाएगा। सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, यूरिया हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात और समझ लें, जो यूरिन होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं यूरिन, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं यूरिन, तो समझ लें बच्चों लगभग 95% बच्चों क्या होता है, वाटर। इसमें लगभग 95% होता है वाटर, लगभग 2-3% क्या होता है बच्चों, यूरिया, और बाकी और भी प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर, यूरिन के अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो यूरिन निकलता है उसमें 95% यूरिया होता है, नहीं, अगर 95% यूरिया निकलने लगेगा तो सारी की सारी फैक्ट्रियां हो जाएंगी बंद। जो यूरिया बोरियों में भर के आती है वो बोरियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा का सारा काम घर वाले मिलकर खुद ही कर लेंगे। तो उसमें बच्चों केवल मात्र 2-3% यूरिया होता है, मात्र 2-3%। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम एक दिन में एक ह्यूमन 1-1.5 लीटर यूरिन का सिक्रीशन करता है, अगर बॉडी से बाहर निकालता है, तो ऐसा माना जाता है लगभग 1.5 लीटर यूरिन के आसपास में उसमें 25-30 ग्राम यूरिया होती है, 25-30 ग्राम यूरिया वो एक दिन में डेली निकालता हुआ, 25-30 ग्राम यूरिया। ये बात आपको याद करके चलना है कि मनुष्य एक दिन में कितने लीटर यूरिन को बाहर निकालता है, लगभग 1-1.5 लीटर, और लगभग उसमें यूरिया की मात्रा लगभग कितनी होती है बच्चों, एक दिन में 25-30 ग्राम के आसपास वो यूरिया को रिलीज करता है, निकालता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरिन जो होता है बच्चों उसमें 95% वाटर होता है, 2-3% यूरिया होता है, बाकी रिमेनिंग और भी बहुत सारे कंपाउंड उसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही अजीब टाइप या बैड स्पेलिंग आती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर बच्चों आपका सेकेंड हो जाएगा। चलो भैया देखते थोड़ा सा, देखिए बच्चों यहाँ पे वैसोप्रेसिन संबंधित है बच्चों, वैसोप्रेसिन का संबंध किससे है तो देखिए भाई बच्चों, इसी वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है बच्चों एडीएच, इसी वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है एडीएच बच्चों। इसको हम बार बार आपको बताते चल रहे हैं मूत्र रोधी हार्मोन, मूत्र रोधी हार्मोन जो बच्चों पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अच्छा देखो, अगर नाम में हिंदी देखें तो लिखा मूत्र को रोकने वाला, ऐसा नाम बोला जा रहा है कि मूत्र रोधी, रोधी मतलब रोक दे। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने पानी पिया, बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि पानी पी लेते हैं और उनको ऐसा फील होता है कि लगातार वो टॉयलेट करने जा रहे हैं, लगातार यूरिन करने जा रहे हैं, पेशाब करने जा रहे हैं बार बार। तो होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जो हार्मोन होता है ये वैसोप्रेसिन है एडीएच, ये बिल्कुल काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है, और जिस दिन जब बंद कर देता है तो लगातार बार बार यूरिन होने, पेशाब होने लगती है, तो लोग घबरा जाते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा होने का वजह क्या है कि जो एडीएच हार्मोन है, जो हमारा ब्रेन है, वो बिल्कुल सप्रेस हो गया किसी कारणवश। जब सप्रेस हो गया तो जो एडीएच है ये जो वैसोप्रेसिन है काम करना बंद कर देता है, तो लोगों को बिल्कुल बार बार टॉयलेट लगने लगती है। जैसे अगर आप देखें कभी आप किसी एग्जाम हॉल में जाइए या कहीं आप कोई एग्जाम देने जाइए तो ऐसा लगता है कि आपको बार बार टॉयलेट लग रही, बार बार यूरिन जाने का मन कर रहा है। तो क्या कर रहा है, उसमें दिमाग आपका बिल्कुल प्रेशर में होता है, वहां पे जो एडीएच और वैसोप्रेसिन बिल्कुल ये सप्रेस हो जाते हैं, इसी वजह से आपको बार बार फीलिंग लगती है। जबकि अगर आप टॉयलेट करने जाएंगे तो टॉयलेट होगी नहीं, केवल आपको फीलिंग होगा, फास्ट फीलिंग आएगी। तो उसका रीजन यही है बच्चों, उसका रीजन क्या है बच्चों, ये वैसोप्रेसिन बच्चों क्या है, मूत्ररोधी है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मूत्र के सांद्रण के लिए बच्चों क्या होता है ये जिम्मेदार होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। तो तीसरा आंसर यहाँ पे याद कर लें आप। ठीक है भाई, तीसरा आंसर सही हो गया। चलो भाई आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। देखिए बच्चों यहाँ पे दिए गए पदार्थ जंतुओं में उत्सर्जी उत्पाद होते हैं जिनमें से सबसे कम विषाक्त कौन होता है, यहाँ लिखा है कम विषाक्त मतलब क्या होता है बच्चों, कम जहरीला। अगर हम इसको शुद्ध हिंदी में लिखें, इसे बच्चों लिखेंगे कम जहरीला, ये लिखेंगे कम पॉइजन।
और मैंने कल ही आपको बताया था सबसे ज्यादा अमोनियम, उसके बाद यूरिया और सबसे कम यूरिक अम्ल। तो आप देख ले भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरिक अम्ल हो जाएगा, यही होता है बच्चों, सबसे कम, सबसे ज्यादा अमोनिया, उसके बाद यूरिया, उसके बाद यूरिक अम्ल। ठीक है, दूसरा आंसर सही हो जाएगा, यूरिक अम्ल हो जाता है। चलो बच्चों थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए बच्चों रक्त का छलन होता है, यानी क्या रक्त का छलना होता है, कहां पे होता है बच्चों, देखिए बताइए जरा क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा बताएगा बिल्कुल यूपी कैटेट टॉप करके जाएगा, वो यूपी कैटेट टॉप करके जाएगा। जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर 100% बताएगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, हर बच्चा ये लिख करके भेजे कि सर कॉन्फिडेंट ये ऑप्शन, कॉन्फिडेंट ये ऑप्शन, हर बच्चे का जवाब हम सुनना चाहते हैं। बताओ भाई क्या होगा आंसर, हर बच्चा बिल्कुल बता करके ही जाएगा, क्योंकि आज ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा, और आज पूरा खरगोश खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा खरगोश खत्म होगा। और बच्चों मैंने एक एक चैप्टर में इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो क्वेश्चन आने की संभावना भी होगी अभी आगे उसको हम कवर कर लेंगे, जो हमें लगेगा हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जितना क्वेश्चन बच्चों करा रहे हैं आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, और कॉन्फिडेंस हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि एक भी दिन क्लास आपकी बंक नहीं हो रही, लगातार क्लासेस चल रही है। फटाफट सभी बच्चे बिल्कुल बताएं कि सर कॉन्फिडेंस के साथ ये ऑप्शन सही है, और हर बच्चे का कॉन्फिडेंस हम देखना चाहते हैं, हर बच्चे का। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन बोला है बिल्कुल 100% वो टॉपर है इस बार, 100% ये मैं दावे के साथ बता सकता हूँ। अगर उन्होंने थोड़ा सा और मन से पढ़ लिया तो रिजल्ट बिल्कुल उनके हाथ में होगा, 100% मैं बता रहा हूँ, 100% भाई। ठीक है, देखो जो यहाँ लिखा है, रक्त का छलना कहाँ होता है, रक्त को पहली बार फिल्टर कहाँ पे किया जाता है बच्चों, तो बहुत ध्यान से मिले। जिन बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई देखो जरा कहाँ क्या है यहाँ पे, अगर बच्चों मैं इसको थोड़ा सा बताऊँ, देखो जरा मैंने आपको ऐसे बताया था, ऐसे करके और यहां पे मैंने आपको ऐसे बताया था, ऐसे करके ये बताया था हमने। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉम एंड कैप्सूल, इसको बोलते हैं बच्चों बॉम एंड कैप्सूल बोला जाता है, बॉम एंड संपुट बोला जाता है, इसको बोलते हैं बच्चों बॉम एंड संपुट, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों बॉम एंड संपुट, जो कटोरे जैसा होता था, जो कटोरी जैसा होता बच्चों। यहां पे क्या होता बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं थोड़ा सा, तो ऐसे करके यहां पर ऐसे करके बहुत सारी फिल्टरिंग मशीन लगी होती हैं, बहुत सारी फिल्टरिंग मशीन ऐसे लगी होती हैं, ऐसे करके बहुत सारी फिल्टर करने वाली यहां पे मशीन लगी होती हैं। जैसे यहां से सारा ब्लड गुजरता है, जैसे यहां पे ब्लड जाने की कोशिश करता है, उसके अंदर जो खराब पदार्थ होते हैं, जो मेटेरियल होते हैं बच्चों, उसको छान लिया जाता है, उन सब चीजों को छान लिया जाता है। छानने का मतलब क्या है, यहाँ से मान लीजिए तमाम सारे यूरिया गया, अमोनिया गया, बहुत सारे यूरिक अम्ल गए, बहुत सारे पदार्थ गए यहाँ से, तो उनको भैया छानने का काम बच्चों यहीं पर कर लिया जाता है, यहीं पर जो छाना हुआ पदार्थ है वो यहाँ पे बच्चों छोड़ दिया जाता है, ये जाकर के बच्चों यूरिन पहुंच जाता है, मूत्र पहुंच जाता है, और उसी के थ्रू बाहर चला जाता है। तो जरूर याद करिए बच्चों, जो छानने का काम वो इसी वाले रीजन में किया जाता है, और आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल छाननी जैसा हमने आपको बनाया है, बिल्कुल फिल्टरिंग की तरह बताया, जैसे आप चाय को छानते हो, चाय को सेम वैसे यहाँ पे छाना जाता है। क्योंकि आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो फिगर बनाया था हमने बताया था कि जो नेफ्रॉन का पार्ट है, ये सारे के सारे नेफ्रॉन के पार्ट हैं, और नेफ्रॉन के पार्ट में जो बॉम एंड कैप्सूल होता था, जो बॉम एंड संपुट होता था, वहीं पर पहली बार ब्लड को रक्त को छाना जाता है, यहीं पर छाना जाता है बच्चों। ठीक है, और इसके पहले अभी मैंने आपको बताया था कि एक पोडोसाइट कोशिका, ठीक है, पोडोसाइट कोशिका, वो भी बच्चों इसी के अंदर पाई जाती है,
जो छड़ने में मदद करवाती थी, फिल्टरिंग करने में मदद करवाती है। तो चलो जिन बच्चों ने आंसर बताया बिल्कुल सही भाई, अच्छा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, मेलपीकियन कायमे, ठीक है, चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बच्चों आगे देखते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, मूत्र का पीएच कितना होता है, बच्चों 6 होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सवाल आसान, इसको मैंने कल कराया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तीसरा आंसर सही हो जाएगा 6, अम्लीय होता है, थोड़ा बहुत अम्लीय। चलो बच्चों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल देखिए बच्चों यहाँ पे इसको भी देख लें, ये भी क्वेश्चन भैया देख लो, 1 2 3 4 यहाँ से 4 सवाल हमने आपको दे दिए हैं और चारों के चारों आंसर आपके जुबान पर दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 4 सवाल आपके सामने हैं, इस सवाल का जवाब आप दे करके फिर से आप अपने आप को विजेता घोषित कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या होगा, तो देख ले भाई क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल केवल साथ होकर देखते रहते हैं, आप भी कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अगर आपसे गलती होगी तो कहीं ना कहीं आपको सीखने को भी मिलेगा, समझ लीजिए, जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आपके सामने रिजल्ट नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि आप एग्जाम में गलत करें, पहले ही गलत कर लें, अगर आप यहाँ पे गलत करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा आगे चल करके, लेकिन अगर आप एग्जाम हाल में बैठ करके गलतियाँ करेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल खतरे खाली नहीं होगा। आप यहाँ पे गलती करिए, उसका आंसर उसकी चीजें मैं आपको बेझिझक बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई देखा, प्रोटोनेफ्रिडिया बच्चों ये पाया जाता है फ्लेट वार में, मतलब ये प्लेटी हेलमेट थी जो पाया जाता है। दूसरा बच्चों नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया बच्चों किसमें पाया जाएगा, केचुआ में पाया जाएगा। मेलपीकियन नलिका है बच्चों किसमें पाई जाएंगी, काकरोच में पाई जाएंगी। ग्रीन ग्रंथिया एंटीना ग्रंथ किसमें पाया जाएगा, प्राण में पाया जाएगा। तो आप आंसर मैच कर सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पहले का हो गया चौथा, पहले का हो गया यहाँ पे चौथा, ठीक है, पहले का चौथा, देखो भाई उल्टा उल्टा देखो जरा, पीछे से पीछे देखो जरा, पहले का चौथा, ठीक है, दूसरे के बच्चों किसका हो गया, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा किसमें दिख रहा है भाई, दूसरे का बी का तीसरा, तो देख लो भाई बी में तीसरा सब में दिख रहा है, ठीक है। चलो नलिका मेलपीकियन नलिकाएं, मतलब क्या हो गया, सी का कौन सा हो गया भाई, दूसरा, सी का दूसरा, मतलब ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, उसके बाद बी का भैया कौन हो गया पहला, तो आंसर बच्चों क्या हो गया आपका, पहला हो गया। आप ऐसे क्वेश्चन को करने की आदत डालिए, ऐसे क्वेश्चन करने की आदत डालिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चे अभी तक केवल एक लाइन वाला पढ़ते थे, केचुआ कहाँ पाया जाता है, क्या खाता है, लेकिन अब पैटर्न थोड़ा सा अगर बदलेगा तो थोड़ा सा अपने दिमाग को, अपने आदत को बदल के चलिए, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमने आगे से पीछे से यहां से देखा तो नहीं मिला, हम तुरंत पीछे चले आए, पीछे से हमने मैच करना चालू किया तो मिल गया। तो आप दिमाग को घुमाते रहिए, इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, बिल्कुल चीजें आपको हलवा लगेंगी, आसान लगेंगी। तो बच्चों पहला आंसर आपका सामने बिल्कुल सही हो गया भाई, करेक्ट आंसर बिल्कुल ए इज करेक्ट। तो हमने पीछे से मैच करना चालू किया, एक बार में मिल गया। और कोई बच्चा परेशान नहीं होगा बिल्कुल, अब जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी विद आंसर मिलेगी आपको, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं किसी भी बच्चे को, विद आंसर आपको पीडीएफ मिलेगी। और आप चाहे कहीं भी बैठकर, आप घर में बैठिए, आप खाना बनाइए, आप दौड़ते रहिए, कहीं भी आप जाइए, मार्केट जाइए, आप बिल्कुल मोबाइल लिए वहीं पर आप बैठ के पढ़ते रहिए, बिल्कुल आनंद ही आनंद, बस आपके दिमाग में केवल पढ़ाई चलनी चाहिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ठीक है बच्चों, पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती थी भैया, अभी मैंने बताया आपको कि वोमन कैप्सूल के आंतरिक भित्ति में, अभी मैंने बताया था बच्चों वोमन कैप्सूल की आंतरिक भित्ति में बच्चों ये पाई जाती है। ये भी काफी अच्छा सवाल है, ये भी काफी बढ़िया सवाल है। चलो भाई आगे देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या भाई, अगला सवाल क्या है। देखो भाई देखो बच्चों, अस्तनधारी पे नेफ्रॉन से यदि हल्ले लूप को हटा लिया जाए तो क्या होगा, देखो बच्चों लिखा है, अस्तनधारी के नेफ्रॉन से यदि हल्ले लूप को हटा लिया जाए तो क्या होगा, बच्चों यहाँ लिखा है
कि अगर स्तनधारियों से नेफ्रॉन को हटा लिया जाए तो बच्चों क्या होगा? बच्चों वही होगा, जितना आप पानी पियोगे उतना को उतना पानी निकल जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा बच्चों, तन हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट मतलब होता है कि एक गिलास चीनी डालिए, एक गिलास चीनी डालो, उसमें दो गिलास पानी डालो, तीन गिलास पानी डालो, चार गिलास, दस गिलास, पूरा एक बाल्टी डाल दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने उसको डाइल्यूशन कर दिया, उसे पानी ज्यादा मात्रा मिला दिया आपने। ये कब हो रहा है? जब आपके शरीर से नेफ्रॉन को हटा लिया जाए, क्योंकि नेफ्रॉन का काम क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बताया, जल का संरक्षण करना, कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना होता था। तो जब वाटर को कंजर्व करने के लिए नेफ्रॉन लगाया जाएगा, तो आप 4 लीटर पानी पियोगे तो 1.5 लीटर आप यूरिन की ओर निकालोगे। और जैसे ही आपने नेफ्रॉन को निकाला, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम नेफ्रॉन को शरीर से निकाल लें तो क्या होगा? तो बच्चों जितना पानी हम पीते हैं उतना सारा का सारा पानी बिल्कुल शरीर से बाहर निकलता चला जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, मूत्र ज्यादा तन हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल, किसी एग्जाम में आया हुआ है, ये यूपी कैडेट बायोलॉजी ग्रुप में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको भी ये क्वेश्चन दिखा दिया जाए, करा दिया जाए भाई। चलो बच्चों, ठीक है भाई, बच्चों आज हम लोगों ने पूरा का पूरा उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट कर लिया है, और हमें ये भी उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में भी आया होगा। ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल विधिवत हमने आपको बता दिया है, बिल्कुल पूरी की पूरी चीज। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि अभी यूट्यूब पर, ऐप में नहीं भाई, यूट्यूब पर 7:15 पे आपकी जीएस की क्लास होगी भाई, यूट्यूब पर 7:15 पे, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, रेडी रहिए, और आप अपनी राय जरूर हमें दें कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई। जो चैप्टर आज हमने पढ़ाया, जो कल पढ़ाया, या जो पिछले विगत दिनों में पढ़ाया हमने, क्या उसमें कोई कंफ्यूजन या किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो जरूर हमें बताएं। और दूसरी बात बच्चों, अगर किसी बच्चों कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई डाउट हो, तो आपके ऐप में एक डाउट सेशन का एक ऑप्शन दिया है, उसमें आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसमें आप अपना क्वेश्चन भेजिए, आपको उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक होगा कल, अब बच्चों हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे पौधे के बारे में, प्लांट के बारे में। अभी तक हमने लगातार जूलॉजी के बारे में पढ़ा, जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ा, अब हमारा जो टारगेट होगा बच्चों, वो टारगेट हमारा सबसे पहला जो टारगेट होगा, पुष्पीय पौधों में जनन हमारे एक टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से लगभग 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो पुष्पीय पौधों में जनन कैसे होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो अगला जो चैप्टर आप तैयार करके आएंगे, बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, पौधों में पुष्पीय पौधों में जनन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। Things I knew, and girl, you never want to judge. Or maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day. And if there's any trouble, yeah, we coming through as one. You know I got your back in every way under the sun. Girl, I be staring, looking at you every single night. I just gotta let you know you got an. सुबह से बेबी लगा 8 बजे से उठ ही नहीं पा रहा है।